फिर भी जानना चाहती हूँ कोई देख सुनने के बाद इंटरेस्ट होगा तो फिर ज्वाइन करूंगी ऐसे अभी वैसे तो, कुंडली के बारे में ऐसा तो कुछ पता नहीं है मेरे जैसे ऐसे ही वाला जो ऑकल्ट फील्ड में बाकी जो चीज एंजल है रेकी है रेकी ग्रैंड मास्टर हो वैसे है बाकी चीज तो मैं किया हुआ लामा फेरा और शमानिक और आ, जो भी है उसमें वो वाला किया हुआ है लेकिन अभी तक इसमें नहीं आया एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी तक नहीं आई हूँ मैं हाँ राइट राइट चलिए वेलकम स्वागत है आपका स्वागत है थैंक थैंक और you. कोई और कोई अपना परिचय देना चाहेगा जिनकी जिनकी बतिया बनना है बतिया खोले हमें भी अच्छा लगेगा नो वन ऑल आर बिजी ऑल आर बिजी इन वाचिंग इंडिया बांग्लादेश सीम्स इंडिया बांग्लादेश के वजह से आज कुछ लोग भी शायद व्यस्त हैं चलिए उदय जी ने ज्वाइन किया उदय जी आपका परिचय धन्यवाद आपने वीडियो ऑन किया अपना उदय पाटिल जी आपका हेलो हाँ 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 सर हाँ एक ट्रैवलिंग में हूँ लेकिन एक मिनट के लिए ओपन किया वीडियो मैं पाचोरा महाराष्ट्र से हूँ थोड़ा सा वास्तु का काम करता हूँ लेकिन आपका जो फोर्टी फाइव देवता का जो बताया था उसमें इंटरेस्ट लगा इसके लिए मैंने ज्वाइन हो गया और ऐसे so nice मैं पाचारो मार वेलकम धन्यवाद आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू एनीवन एल्स भोपालली जी राकेश जी पवन जी जी रूपा जी ऑल आर बिजी विद दी मैच आई कैन अंडरस्टैंड चलिएशन नाउ एंड जो लोग बीच में वीडियो को ऑन उन करेंगे उनका शुक्रिया आप प्रमोद जी ने ऑन किया प्रमोद जी धन्यवाद आपका सरला यादव जी सरला यादव जीट right, चलिए रोजी आपने तो किया हुआ कई कि बार पहले नमस्कार सर नमस्कार सर जी सर मेरा रिपीट हो गए है दोबारा सॉरी चलिए ग्रेट यू आर आपको इंटरेस्ट आता है इस पे दोबारा दोबारा करने में हां तो ये कि हमारे हमारी एकेडमी में एक प्रोविजन है सो वी प्रोवाइड द रिपीट फ्री एंड अकेडमी बिलीव इन लर्निंग एंड स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन सो उसके तहत अकेडमी uh, का ये प्रयास रहता है कि जो भी कोर्स होता है उसका रिपीट आप लोगों को जरूर फ्री मिले uh, आमतौर पर हर सब्जेक्ट का एक बार रिपीट तो मिलता ही है कई बार जो मेरे अपने पर्सनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें आई कैन अलाउ अब मल्टीपल टाइम रिपीट ऑफ्सो सो बाकी फैकल्टी ओरटेड तो एक टाइम आपको मिलता ही है थिंग इज दैट हमें हम सब का मानना यही है और हम सब का एक्सपीरियंस भी है कि एक बारी में चीज़ें पूरी ग्रिप नहीं होती हैं सो so, रिपीट मिलने से क्लैरिटी बढ़ जाती है और हमारा जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो भी इंक्रीज होता है और उससे एक समय के बाद हम दोबारा करते हैं चार छः महीने रुक के दोबारा काम करते हैं इस सब्जेक्ट पर तो हमारी क्वारीज भी बेटर रिजॉल्व हो जाती है तो डेट्स द रीज़न वी ऑलवेज बिलीव इन रिपीटिंग द कोर्स एंड विद नो कॉस्ट तो एकेडमी का एकेडमी इज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एकेडमी

वैदिक प्रणाली का सिस्टम का डिजाइन का पार्ट है बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वैदिक कल्चर कि वैदिक इंफॉर्मेशन वैदिक नॉलेज हर घर के अंदर हो इंसान अपने लिए अपने परिवार के लिए और जहाँ जहाँ जो जो जैसे जैसे यूज कर सके उसको स्प्रेड करे चाहे वो एजुकेशन से करे चाहे कंसल्टेंसी से करे किसी के माध्यम से करे बट स्प्रेड इट बिकॉज मोर द इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक इन टू दिस वर्ल्ड भारत में स्पेशली ज़्यादा आसान जीवन होता ज़्यादा और ज़्यादा अनुशासन जीवन होता है जितना ज़्यादा हम अपने रूट से कनेक्ट करते हैं उतना ज्यादा अनुशासित जीवन है रीजन so एंड ये हमारा मिशन और विजन भी है इस अकेडमी का एंड अकेडमी बिलीव इन इकोनॉमिकल वर्किंग सो माई कोर्सेज आर इकोनॉमिकल एंड शेयर स्टेट एंड हमारी कोशिश रहती है जितने भी सब्जेक्ट्स हम आपको दें <clears throat>

किताब पे जाओ सहयोग किताब को मिल जाएंगी तो वो वी डोंट गो बाय दैट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बुक नॉलेज बट बुक के साथ एक्सपीरियंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट दैट इज व्हाट इज टू बी डिलीवर वो हमारा कोशिश रहता है और एट द सेम टाइम हम ये भी सोच ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी ज्ञान हमको इस संसार ने इस यूनिवर्स ने दिया वो तो सब हम आपको शेयर कर दें ताकि हमें फिर और ज्ञान मिल जाए तो हमारी झोली खाली हो जाए और एम्प्टी कप की तरह लेट्स रिफिल द कप इसी शंकरा मैं आज का वेबिनार हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वेबिनार रहेगा वास्तु पे पैंतालीस देवता वास्तु पैंतालीस देवता वास्तु के ऊपर अब अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं डिटेलिंग में हम बात करेंगे जब हम अपने कोर्सेज में जाएंगे तो पैंतालीस देवता वास्तु फोर्टी देवता तो पैंतालीस देवता आप वास्तु का ऐसा आजकल चलन है कि हर व्यक्ति वास्तु कर रहा है करा रहा है और सीख रहा है और सिखा रहा है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा वास्तु के परस्पेक्टिव से पैंतालीस देवता पे क्यों आ जाती है क्योंकि ये पैंतालीस देवता वो देवता जुस पे, अपने उस जगह से काम करते हैं अब ये आए कैसे बने कैसे इसकी छोटी सी कहानी है जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष को जब आंधे मुंह लेटाया गया वास्तु पुरुष जब आंधे मुंह लेटे तो आंधे मुंह लेटे तो ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर सब जगह पे ताकि वो खड़े ना हो उसके ऊपर कुछ उन्होंने देवतास और असुरों को बिठा दिया वहां पे हम शॉर्ट पे कर रहे हैं कहानी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और लंबा वैसे है जस्ट टू इसकी कंप्लीशन बाद में करेंगे बिठा दिया वहां पे तो बस समझने की बात ये कि जो देवता जहां बैठा जो असुर जो बैठा जिसने जो स्थान ग्रहण किया उसका अपना वो स्थान बन गया वो उसका अपना एक एट्रीब्यूट है हर देवता का हर असुर का अपना एक एट्रीब्यूट है हर इंसान का जैसे अपना एक एट्रीब्यूट है उसकी अपनी क्वालिटी है वैसे ही हर देवता की भी अपनी एक क्वालिटी है लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्वालिटीज़ क्या है कैसे हैं आप पैंतालीस देवता की बात करते हैं तो पैंतालीस देवता विराजमान द देव लेटे वास्तु पुरुष के ऊपर मैं दोबारा बोल रहा हूँ वास्तु पुरुष की कहानी या वास्तु पुरुष का विस्तार हम अपने सब्जेक्ट में आगे जाके करेंगे उसके विस्तार पे नहीं कर रहे आज हम देवता फील्ड पे ही बात करेंगे सर जब वो देवता अपनी जगह पे विराजमान हो गए सारे देवता तो उन देवताओं को उस जगह की एक तरीके से विरासत मिल गई एक तरीके से कब्जा हो गया उनका मालिकाना हक हो गया उनका अब जब उनके देवताओं का उन जगहों पे हक अपना बन गया स्थापित तो हो गया तो उनका अपना जो एट्रीब्यूट है उस जगह पे काम कर रहा है उस जगह पे उनका जब एट्रीब्यूट अपना काम कर रहा है तो वो अपनी विशेषताएं उस एट्रीब्यूट से सबको प्रदान करेंगे अपने जो उनकी खासियत है तो उसको प्रदान करेंगे आप में से कुछ लोग हो सकता है जो बिल्कुल नए हो जो फर्स्ट टाइम वास्तु ट्रांड कर रहे हो सब्जेक्ट तो उनके लिए मैं ये स्लाइड लगा रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर वन मिनट एक मिनट इज एम शोइंग इट टू यू होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल जस्ट गिव यस नो सर सो ये राउंड शेप के अंदर रहेगा राउंड शेप एक क्यों है चौरस क्यों नहीं है उसकी देवता कैसे बन रहे हैं ये कैसे कैसे बन रहा है पूरा चक्र कैसे बन रहा है दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द जर्नी इसको कंप्लीट जर्नी में हम लेंगे इसको तो इसलिए इतना डिटेलिंग बस जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो चक्र है इस चक्र के अंदर जो नाम लिखे हैं जहाँ जहा पे जो जो नाम लिखे हैं वो पैतालीस देवता है उसको आप काउंट करेंगे आगे जाके हम काउंट भी करके देखेंगे ये पैंतालीस देवता है हर जगह पे बैठे हुए देवता का अपना एक एट्रीब्यूट है जब इसको हम किसी भवन पे लगाते हैं तो जहाँ पे वो देवता विराजमान होते हैं उसका अपना एक एट्रीब्यूट काम करता है सो so, आज के परस्पेक्टिव से हम दो देवता फील्ड को ज़्यादा कंसिडर करते हुए देखते समझते हैं हर व्यक्ति आज की तारीख में वास्तु के ऊपर सब लोग काम करते हैं और यूट्यूब पे ये बात आती रहती है और हर जगह पे आती है कि घर में टॉयलेट के ऊपर अगर हम देखें टॉयलेट यहाँ पे बनाए यहाँ पे ना बनाएँ और ऐसे ही करें या वैसे करें पॉइंट ये कि टॉयलेट अगर हम साउथ साउथ वेस्ट में अगर एक जोन बनता साउथ साउथ वेस्ट का उसमें बना भी देते हैं तो क्या उसमें बनाना भी सही है उचित है या नहीं है ये एक आज का विषय रहेगा आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि हम सारे टॉपिक्स को हम लेंगे और टॉपिक्स कौन कौन से लेंगे वो मैं आपको इसलिए इस क्लास इस के अंत होने से पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा वो सारे Give me a minute, please. कुणाल जी ने अपना वीडियो ऑन किया नयान जी जी ने अपना थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ऑन सो दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्या आपको सी नजर आ रही है हाँ, so, ज अब ये सारी एनर्जी फील्ड के ऊपर कैसे कैसे काम होगा और ये सारी एनर्जी फील्ड कैसे डिफाइन होंगी या इस चक्र कैसे बनेगा इस चक्र को प्लेसमेंट कैसे होगा हमारे मकान पे भवन पे या किसी भी जगह पे सबको हम आगे जाके अपनी क्लास में कवर करेंगे आज के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आप सबके समक्ष ये है क्या साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाना उचित है या नहीं है और क्यों बनाना चाहिए और ये जब हम बात करते हैं देवताओं की तो इस देवता का किस परस्पेक्टिव से ये टॉयलेट बनाना यहाँ पे हमें उचित नजर आता है आज का प्रश्न ये है और ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा सो बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट इफ एनी वन कैन लाइक टू शेयर देयर व्यूज देअ दो रॉन्ग नो राइट इट इज जस्ट शेयरिंग अ अज एवर यू नो इट्स शेयरिंग अ नॉलेज इट कैन बी गुड इट कैन इट मे बी एस पर योर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑल राइट सो क्वेश्चन ये साउथ साउथ वेस्ट में क्या टॉयलेट बनाना सही है हर लिहाज से क्या गंधर्व की और की देवता फील्ड पे टॉयलेट बनाना क्या सही है हर से और ये बहुत बड़ा विवाद रहता है हर समय में कि टॉयलेट है है क्या है, और क्यों नहीं है और कैसे करना चाहिए इस सब्जेक्ट को आज थोड़ा हम समझेंगे इस दो देवता फील्ड के परस्पेक्टिव से वायल सिंग दिस हम हर देवता फील्ड के परस्पेक्टिव से सारी चीजों को समझेंगे पूरी जर्नी के अंदर जिसके अंदर नॉट ओनली टॉयलेट बल्कि पूरे घर की जितनी भी चीजें होती हैं चाहे वो बेडरूम हो किचन हो स्टेयर्स हो और डाइनिंग रूम हो डाइनिंग रूम हो स्टडी टेबल हो वॉटर वी विल अंडरस्टैंड एवरी चाहे वो लगाने का सामान हो वस्तु हो लाइक फ्रिज हो चाहे टी हो चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कूलर हो या ए हो ये सारी चीजें हम हर देवता फील्ड के पस्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे वेल वी मूव इन टू सब्जेक्ट जी एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग थिंग क्वेश्चन ये कि साउथ साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बनाना राइट है या रॉन्ग है और राइट है तो क्यों है रॉन्ग है तो क्यों है दिस इज द क्वेश्चन जी आप में से कोई भी विचार अपना शेयर करना चाहे तो प्लीज ओपन योर कैमरा ओपन योर माइक एंड शेयर इट नो वन कोई तो 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 जी, जानते ही नहीं आज आप जानते नहीं है यू आर फर्स्ट टाइम अटेंडिंग इट यस सर जी यस सर डिस्पोजल की जगह पर सही है assessment. बहुत बढ़िया बोला आपने बहुत बढ़िया बोला आपने डिस्पोजल की जगह पर सही है बट द पॉइंट इज ये वाइट दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल अनदर पॉइंट इज वाइट दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल हम इस देवता फील्ड को डिस्पोजल क्यों बोल रहे हैं या हम इस जोन को साउथ साउथ वेस्ट को डिस्पोजल क्या है क्यों रहे हैं कौन लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि डिस्पोजल की जोन पे जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे और जो लोग जानते हैं उन लोगों के साथ कि यहाँ पे येलो कलर का वास बोला जाता रखने को वो रखना चाहिए कौन लोग एग्री करते हैं कौन लोग करते हैं एनी वन लाइक टू एग्री वन no एंड कौन लोग डिसएग्री करते हैं एंड इवेंट डिसग्री विथ दिस दो रॉन्ग नो राइट अगर आप तो जो आंसर आपका देंगे वो ठीक है नो वन यस थैंक यू फॉर योर आंसर थैंक यू आप जिसे, आप एग्री करते हैं कि यहाँ पे येलो वास रखा जा सकता है राइट? Right? जी, आपने वीडियो ऑन किया अपना बताए क्या शेयर करेंगे आप प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ संतोष जी अनम्यूट योरसेल्फ, सेल्फ देवपाल जी अन्यूटर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग, इवनिंग कुणाल जी जी आप वास्तु के विषय में जानते हैं तो अपना पहलू रखे सर स्पेशल ये येलो वॉश रखने पे साउथ साउथ जी वेस्ट में जी सर अपना अपना पर्सपेक्टिव है लोगों का पता है मैं तो <coughs> जैसे मैंने एक कोर्स किया था पहले वास्तु का जी तो उसके बाद ये भी करो फिर अब ये भी करो फिर जैसे अब ये जरूरी था ये किसी ने कराया नहीं ये पैंतालीस देवता वाला और ऑनलाइन तो ऐसा हो गया सर आजकल मतलब कहते हैं ना जहाँ ईट उठाओ कीड़ियों का मकान मिलता है वो वाला काम है जो भी सीख के आ रहा है वो वास्तु करवा रहा है ऑनलाइन करवा रहा है जिसका बजट है वो ऑनलाइन चढ़ रहा है जिसका नहीं है वो अपने घर के आसपास जो जैसा उसका है कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये दही बड़ा कर दिया सारा कुछ <laughs> सब कुछ मिला रायता रहा दिया, दिया।, दिया। रायता बना दिया सर कुछ भी नहीं समझ आता मेरा भाई गुड़गांव रहता है के गाजियाबाद यूपी में कहीं पे कोई वास्तु वाले हैं उनको लेके आए उससे पहले सब ठीक चल रहा था मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो उन्होंने घर में ड्राइंग बनवाई जोनिंग वगैरह जो भी करके आए वो आए लगभग दस के बारह जगह उन्होंने गड्ढे करवाए और उन गड्ढों में कुछ 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 खूब सारा भर दिया और अपनी फीस लेके चलते बने मैंने उनको अभी कल परसों भी मैसेज किया फोन किया मैं कहा सर आप करके क्या गए हो मैंने भी वास्तु पढ़ा है आप क्या करके गए हो कि ऐसे जैसे डोर बंद हो गया हो काम का बिल्कुल ही एकदम से काम आना बंद एकदम से ब्लॉकेज मैंने कहा आप अब समझो मेरी बात अब जैसे वास्तु पुरुष है इसका सारा कंसेप्ट तो सबको समझ आ रहा है कि अगर वास्तु पुरुष के कंधे पे चोट है तो टांग पे पट्टी क्यों बंधवाएंगे उन्होंने लगभग घर के हर कोने में ग्यारह बारह छेद करवाए मुझे नहीं पता क्या जोन था क्या कुछ करवाया उन्होंने क्योंकि तो भाई लेके आया था वो कुछ थे पता नहीं क्या थे बट यहाँ तो डिब्बा गोल कर गए दो सौ परसेंट आपका अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया आई विल शेयर अ फ्यू लाइंस ऑन दिस जो आपने बोला उसमें अभी मैं दो मिनट बात करता हूँ पहले मैं

क्यों वा, 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 येलो वास रखना चाहिए और क्यों टॉयलेट बनाना चाहिए थोड़ा सा अगर कैन शेयर समथिंग डिस्पोजल बोला था। 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 बोला क्यों गया दिस्पोसल? सर अपना को तो इतना अपना स्पष्ट जवाब दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका जी ये क्यूँका आंसर आया जी बहुत बढ़िया संतोष जी

अ प्रणाम साहब सर uh, मैंने भी सिंपल एक बेसिक वास्तु का कोर्स किया है देवतास वाला कोर्स मैंने uh, youtube पे वगैरह देखा था दो टिंबा जी uh, ज्यादा जानकारी तो नहीं है डिस्पोजेबल का हम लोगों को बताया गया था बेसिक कोर्स में कि डिस्पोजेबल का ये एसएसडब्ल्यू जो है uh, दिशा है तो उस पे वो एक्चुअली में थर्ड uh, आता है मतलब फर्स्ट जो आता है वो नॉर्थ uh,

पैंतालीस देवता की जर्नी इट्स एन अल्टीमेट जर्नी जितनी भी स्टोरीज निकलती हैं उन देवताओं के एट्रीब्यूट से निकलती हैं एक बात तो ये समझना अगर आपने देवता के एट्रीब्यूट को पकड़ लिया उन्हें घोट के पी लिया एक तरीके से जैसे बच्चों को बोलते हैं कि आप घोट पे अपनी कुंजी पी जाओ ताकि एग्जाम में अव्वल आ जाओ तो यही चीज पैंतालीस देवता के ऊपर है आपने जितनी अच्छी पैंतालीस देवता की जर्नी को पकड़ा और उसको घोट के पिया उतना वास्तु पूर्ण हो जाएंगे क्योंकि काम तो एट्रीब्यूट तो देवता की फील्ड ने करना है देवता के एट्रीब्यूट ने करना है जो जो देवता वहां देने को बैठा है उसने करना है दे तो सभी देखता रहे हैं क्या कौन दे रहा है ये समझ रहा है ले कोई नहीं रहा सब दे रहे हैं क्या दे रहा है ये समझ रहा है और उस देती हुई चीज को हमने कैसे यूज में लाना है उसका समझ रहा अब ये अगर पकड़ लिया तो साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एस एस डब्ल्यू ए डब्ल्यू वो डब्ल्यू सर डब्ल्यू आ जाएंगे पकड़ने आपके ठीक है उसके बाद कोई भी आपको जोनल वास्तु की जरूरत नहीं है अब बात आती है कि क्या इससे हम पूरे तरह के वास्तु कर सकते हैं जितने भी प्रकार के भवन है वट इज येलो वॉच वट इज येलो वॉच ठीक है मैडम अभी करेंगे इसको नारायण जी सॉरी नारायण जी सर या मैडम तो जितने भी प्रकार के वास्तु डिजाइन हैं चाहे वो भवन घर में रहने का हो चाहे वो भवन ऑफिस का हो चाहे वो भवन किसी पूजा का स्थल हो चाहे वो भवन किसी भी प्रकार से किसी सब्जेक्ट पे यूज किया जाता हो उस भवन में हर जगह पे चाहे वो नगर हो चाहे नगरी हो चाहे कुछ भी है चाहे संसार भी क्यों नहीं है पैंतालीस देवता पे बटा हुआ है हर चीज पैंतालीस देवता पे बटी हुई है अब आप, आप उसके अंदर रूम का वास्तु कर लो चाहे पूरे पूरे भवन का वास्तु कर लो कोई पैंतालीस देवता पे अल्टीमेटली तो आपको यह समझना है आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी दिस अल्टीमेट ओनली थिंग उसके बाद थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा तो अच्छा होगा वो एक अलग लेवल का जर्नी है उसके बाद विषय में बात नहीं कर रहे हैं बटन फ्रॉम वास्तु पर्सपेक्टिव प्रस्पेक्टिव प्योरली आपको पैंतालीस देवता आने चाहिए बाकी आपको कुछ आता है अच्छी बात है नहीं आता तो भी अच्छी बात है संतोष जी आई थिंक नाउ आई एम वेरी नाउर दूसरा जब मैं बोल रहा हूं कि पैंतालीस देवता आने चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ कि देवताओं के एट्टिव्यूड आने चाहिए तो ये आपको समझ में आएगा कि पैंतालीस देवता में अगर आप एस एस डब्ल्यू में दो देवता फील्ड आती हैं एक गंधर की दूसरा भिंगराज की उन देवता फील्ड के ऊपर अगर टॉयलेट आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा तो उस देवता फील्ड पे टॉयलेट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आना या देवता फील्ड पे क्या आ सकता है टॉयलेट के अलावा भी कुछ आ सकता है तो तो ये दो चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए इसका रीजन बड़ा क्लियर होना चाहिए यस और नो का दोनों का रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए अगर आप में मे बी मे नॉट बी वाला स्टाइल है तो वो पूर्ण नहीं है सर सॉरी फिर वो फिर वो जुगाड़ फिटता है दिस इज नॉ मे बी और मे नॉट बी या तो है या नहीं है डेट्स इट क्लियर अब वो जब आता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और वो तब होएगा जब आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट का क्लैरिटी हो हंड्रेड परसेंट तो फिर आप किसी से समझोगे नहीं बताओगे नहीं और डरोगे नहीं और घबराओगे नहीं देन ठोक बजा के पत्थर पत्थर बजा के हथौड़ा बजा के अब दूसरी बात आती है क्या सारी देवताओं को जैसे अभी कुणाल जी ने बोला कि जी कोई वास्तु सज्जन आए बढ़िया है उनके परिणाम जो भी आए थे तो क्या उन, उन्होंने जो भी करवाया उनसे उनका नुकसान हुआ या काम में विघन आया पॉइंट ये है जीवन में ना बहुत सारी चीजें ऑटो बैलेंस हो रही होती हैं सिर्फ हमें उनको पकड़ना होता है जो चीज बैलेंस में नहीं है सर्जरी पृथ्वी के ऊपर कुछ भी करना सर्जरी है पृथ्वी में जमीन में भूमि में कुछ काट के कुछ दबाना वो सर्जरी है वो इंसर्ट करना है इंसर्ट करना सर्जरी है किसी चीज में इंसर्ट करने की नौबत जब आती है जब उस जगह पे रिक्वायरमेंट हो सर्जरी बिना बात के नहीं की जाती और सर्जरी करने से पहले बहुत चीज टेस्ट की जाती है फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास गए डॉक्टर जाते ही आपकी सर्जरी नहीं करेगा वो चार प्रकार की मेडिसिन देगा चार प्रकार के टेस्ट करेगा वो पूरा परीक्षण करेगा एग्जामिनेशन करने के बाद बोलेगा जी नाउ दिस एरिया सर्जरी मेक सेंस तो कोई भी चीज की सर्जरी इंस्टेंट नहीं होती जैसा कुणाल जी ने बोला ऐसा एक मेरे पास एग्जाम्पल है छोटा सा मैं बताता हूँ एक जानकार में किसी का कोई वास्तु वाले आया जी उन्होंने पूरे पैंतालीस देवता पे सब जगह सर्जरी कर कुछ कुछ दबा दिया और कुछ समय के बाद उनका मेडिकल प्रॉब्लम इनकी क्रिएट होगी कुछ उनकी अपने प्रिय जो थे वो चल बसे so, उससे रिलेशन था या नहीं था दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक की सर्जरी जो है कब करनी है क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी वो जो हम कवर करेंगे इस 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 चैप्टर में अपने इस, जर्नी में अपने क्योंकि सर्जरी करने का मतलब यह है कि आप जो यूनिवर्सल तरंगे हैं एनर्जीज उनको छेड़ रहे हो पृथ्वी की जो अपनी भूमि की जो एनर्जीज है उनको छेड़ रहे हो आप क्या छेडे की परमिशन आपके पास है क्या छेड़ना अनिवार्य है तो छेड़ो लेकिन छेणे के अपने परिणाम होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर वो अंडरस्टैंड करे बिना छेड़े तो नुकसान तो आ सकता है दैट इज राइट ये जर्नी का पार्ट होगा क्योंकि पैंतालीस देवता में ये भी कवर होता है कि कहां पे क्या चीज करना और टेस्टिंग करनी है तो कैसे करनी है टेस्टिंग तो टेस्टिंग करे बिना किसी सर्जरी को नहीं करना चाहिए होता क्या है विनम्ना यह है कि हर व्यक्ति आजकल जर्नी जल्दी में है कि भैया ये व्यक्ति का आज हमें केस मिला इस व्यक्ति का केस फटाफट करो कल को व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट करे ना करे और बात बने ना बने उसे अच्छा करके छुट्टी करो ये बहुत बड़ी विडमना है इस विडम्बना से बचे राम से चले चाहे व्यक्ति करे या ना करे आपके साथ जो आपने आना है वो आएगा उसके साथ जो जाना वो जाएगा लेकिन आप आराम से चलें सर्जरी को करने से पहले दस बार सोचें टेस्ट करें कार्य में सफलता आए तो करें जी इससे आगे बढ़ने से पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है नहीं तो फिर हम देवता फील्ड पे आज बात करते हैं आज हम दो देवता फील्ड पे बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट की दो देवता फील्ड एक गंदर और एक बेगराज किसी और का कोई प्रश्न किसी और का कोई डाउट तो प्लीज टॉक नाउ

Okay, है जी बाकी बाकी वास्तु करना है मैप कैसे, कैसे, कैसे बनाना आपके घर के वास्तु को कैसे कलेक्ट करना है आपके ऑफिस का वास्तु इमारत का वास्तु भवन का वास्तु कोई भी कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु कैसे क्रिएट करना है ये सब चीज ऑटोमेटिकली कवर होती चलेंगी इसमें ठीक okay, है फिलहाल हम करते हैं देखो जो जो लोग पहली बार ज्वाइन किया ब्रीफ चार बेसिक चार बेसिक डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट न्यूज एन ई डब्ल्यू एस एन मतलब नॉर्थ ई मतलब ईस्ट डब्ल्यू मतलब वेस्ट एस मतलब साउथ तो न्यूज एन ई डब्ल्यू एस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ठीक है जी थी? उनका अगर हम उसको हम सब डिवाइड करते हैं तो चार हमें डायगनल डायरेक्शन मिलती हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट चार डायगनल डायरेक्शन तो चार और चार ये हो जाती है आठ इसको हम फर्दर बारेट कर देते हैं तो आठ और आठ हमें मिल जाती है सोलह सोलह को हम फर्दर डिविजन कर देते हैं सोलह दुनिया बत्तीस हो जाते हैं तो बत्तीस हो जाते तो आउटर पेरीफरी में किसी भी भवन के तो पेरीफ्री वॉल पे आउटर पेरी वॉल में बत्तीस जोन्स होते हैं बत्तीस गेट्स होते हैं बत्तीस देवता फील्ड होती है उनमें से बत्तीस में से, से आज हम दो बत्तीस बनती है कैसे बत्तीस बनानी बत्तीस ये सब्जेक्ट जर्नी में दौरान हम करेंगे जैसे हम स्टार्ट करेंगे बस आप ये समझे कि दो दो का मतलब है दो की स्टोरी क्या बस आप ये समझे आज स्टोरी समझ में आए तो मेरे को बता देना बात गंधर्व गंधर्व मतलब प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर गार्डियन गार्ड सर्वाइव, ठीक कन्वेयर गंधर्व को सम्रांगार में लॉर्ड नारद के नाम से नारद मुनि के नाम से भी जाना गया है गंधर्व को भाई नारद मुनि भगवान श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे ठीक गंधर्व या नारद नारद क्यों बोला गया क्योंकि वो प्रभु श्री नारायण जी के मैसेज को फैलाते थे उनका प्रचार करते थे तो तो ही इज स्प्रेडर ऑफ द गॉड नारायण नेम एंड उनकी विशेषता है सो इज ए नारद मुनि नारद मुनि के पास योग्यता थी स्किल्स थी संगीत की गायन की एक कुशल कुशल गायक थे वो कुशल संगीत में थे संगीतकार थे वो तो गंधर्व की देवता फील्ड संगीत स्किल्ड सिंगिंग स्किल्ड म्यूजिशियन स्किल्ड सिंगर की गंधर्व की देवता फील्ड है एक सुरीली देवता फील्ड है सुर वाली देवता फील्ड है गंधर्व एक मेल स्पिरिट के नाम से भी जाना गया है मेल यानी कि पुरुष आत्मा और ये पुरुष आत्मा जो है के पति माने गए वातावरण में आकाश आकाश में सुर सुर की जो वाणी है गंधर्व बोला गया इसलिए उसको नारद मुनि के साथ भी लेट किया गया बिकॉज इज दी मैसेंजर ऑफ गॉड सो नारायण में श्री नारायण का मैसेंजर मानव तक मानव से वापस श्री नारायण तक के अंदर जो मैसेजिंग की तरीका जो सुर है जो कॉम्युनिकेशन थ्रू सुर है वो उसको नाराज मुनि से लेट किया गया वहां पर गंधर्व को लेट किया गया गंधर्व गंधर्व की अपनी विशेषताएं हैं बिल्कुल क्लैरिटी की साफ

मंत्रा इन्हें म्यूजिकल फॉर्मेट सामवेद के अंदर जो चैंटिंग और मंत्रा जो बताए गए हैं उसको सुर में जब डालते हैं पिरोते हैं उसमें गंधर्व बहुत अहमियत आती है क्योंकि इनके पास सुपर म्यूजिकल स्किल्स है देवताओं की महफिल में जो सुर की महिमा होती है वो गंधर्व है गंधर्व हमारी बॉडी के अंदर जो रस है उस रस के अंदर जितना न्यूट्रिशनल पावर को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता है वो गंदा है गंदा साउथ के अंदर एक कॉपरी रेड कलर की देवता फील्ड आई है साउथ साउथ वेस्ट में जाती है कॉपरी रेड कलर की देवता फील्ड आई है और उसमें बहुत स्ट्रांग क्षमता है जो बॉडी के अंदर जितना जितने भी फूड न्यूट्रिशन हम बाय वर्च्यू ऑफ ईटिंग डालते हैं उसके अंदर से उस सोम रस को एक्सट्रैक्ट कर लेने की क्योंकि ये प्योर है क्योंकि इसके अंदर अगर इंप्योरिटी अगर आपके सुरों में आएगी मतलब जो सुर आप सुन रहे हो उसमें इंप्योरिटी आएगी उसमें उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप सुनोगे नहीं वो तो ये इस डिवाइन ड्रिंक सोम रस तो ये जितना फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं उसको बिल्कुल प्योरिटी से खींच लेने की जो क्षमता आती है वो गंधर्व उसको बॉडी को वापस दे देने की क्षमता गंधरवा इट्स समथिंग लाइक अ मिक्सर जूसर जब मिक्सर और जूसर के अंदर आप कोई चीज डालते हो उसके जूस निकल के बाहर आ जाता है और उसके अंदर से जो उसका वेस्ट होता है वो मिक्सर से बाहर साइड से निकल जाता है क्लीन हो जाता है तो डेट्स हाउ द गंधरवा वर्क्स ऑफ तो जितनी चीजें हम अपने शरीर में डालते हैं उन सबका न्यूट्रिशनल पावर तो छोड़ के वापस जॉब कर लेना और वेस्ट को डिस्पोज करना ये गंधर्व सो so, जब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात आ जाती है तो यहां से इसलिए आ जाता है बिकॉज गंधर्व की अपनी क्षमता है इट्स ए स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेटरी पावर एंड प्रिजर्वर ऑल्सो फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू इट एक्सट्रेक्टेड आउट ऑफ द फूड दैट अंग कंज्यूम्ड एंड दैट न्यूट्रिशन पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर दॉडी एंड इट इज ऑब्जॉर्ब बाई दॉडी एंड दिस न्यूट्रिशन पावर इज एक्चुअली एट्रैक्शन इज ऑल्सो डिनोटेड एमरस और जो बच गई है वो डिस्पोज ऑफ है वो सारा बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं करती बाहर निकाल लो सब बाहर निकाल अति प्रसन्न करने का जब स्टेट ऑफ माइंड जब हमारा प्रसन्न स्टेट ऑफ माइंड है तो उसमें गंधर्व की भूमिका है क्योंकि जब आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हो सुरीली दुनिया सुनते हो तो आपका दिमाग मान प्रसन्न होता है तो वो गंधर्व इट्स समथिंग लाइक समथिंग लाइक व्हेन यू फील लाइटर स्टोमक यू फील आनंद इजी कंफर्ट क्योंकि आपने उसके अंदर से एक सोमरस की फीलिंग ली गंधर्व अपने आप में संगीत के अति अति विशिष्ट देवता माने गए हैं ये संरक्षक है न्यूट्रिशियल पावर के जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के अंदर अमृत तत्वों का जो संरक्षित करने की शक्ति होती है वो गंधर्व देता है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट गंधर्व की देवता फील्ड होने के बावजूद भी अगर इस द्वार इस गंधर्व की देवता फील्ड के ऊपर अगर द्वार मुख्य बन जाता है तो यह अपमान का कारण बनता है यहां से उत्पन्न हुई प्रवेश द्वार के माध्यम से ऊर्जा जो है नकारात्मक होती है इसलिए इस द्वार के इस प्रवेश द्वार के मकान में रहने वाले व्यक्तियों को निरंतर हानि झेलनी पड़ती है और दृढ़ता का सामना करना पड़ता है लेकिन संगीत के अच्छे लोगों के लिए गंधर की फील बहुत इंपॉर्टेंट है देवता फील अगर अच्छी है घर की अच्छी बुरी कैसे होगी कैसे बैलेंस होगी वो बाद में देखेंगे तो ये ऐसा व्यक्ति संतुलित रूप में छुट्टी खुशियां बनाता है और बाहर घूमता है अगर ये क्षेत्र में कटौती होती है घर की तो ऐसा आदमी छुट्टियों पे नहीं जाता प्लानिंग करता रह जाता कुछ नहीं होता जो व्यक्ति यहां पे लगातार सोते हैं उनके विचारों में कभी आती आती है उनके विचारों में बुरे विचार प्रपते जाते हैं मनोरंजन का साधन बहुत अच्छा है या? इस जगह पे आता है क्योंकि ये म्यूजिकल सिस्टम किससे रिलेट करता है जो भी सिस्टम डिजाइन के अंदर लोग म्यूजिक के क्षेत्र से काम करते हैं म्यूजिक के लिए काम करते हैं उनके लिए ये देवता फील्ड बहुत अच्छा है उनके लिए इस देवता फील्ड के ऊपर किसी प्रकार का टॉयलेट होना हानिकारक है

उसका डिस्पोजल के लिए यह देवता फील्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी न्यूट्रिशल पावर कितनी एब्जॉर्ब तरीके से हुई या नहीं हुई ये डिसाइड करेगा हमारी बॉडी का अपना भी वास्तु होता है जिसको हम आगे जाके देखेंगे कई लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की और कई लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है लूज मोशन की दोनों के अंदर गंदा देता फील्ड का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बट वो उनके अपने वास्तु पे काम करता है बॉडी के वास्तु पे घर के वास्तु से भी रिलेट करता है बॉडी के वास्तु से भी रिलेट करता है दोनों के केस में तो गंधर्व देता फील्ड जो उनकी बैलेंस होती है उनका पेट बैलेंस रहता है उनकी उनका आहार बैलेंस रहता है वो तो जो चीज खाते हैं उसका अपना आहार को बैलेंस करके उसमें से अच्च... न्यूट्रिशल तत्व जो होते हैं जो फेटल पावर्स होते हैं उनको निकाल के बाकी सब चीजों को डिस्पोज कर देते हैं उनकी अपना बैलेंसिंग रहती है अगर ये एरिया घर का कट जाता है तो यहाँ से लोग लंबी वेकेशन के लिए नहीं जाते अगर यहाँ पे एक्सटेंशन हो लिविंग रूम हो तो लोग यहां से पे बैठे हुए यहाँ पे यहाँ पे टाइम बना व्यतीत करते हुए लोग हमेशा पार्टी के मूड में रहते हैं चीजों को जीवन में सीरियसली नहीं लेते बैलेंस स्टेट ऑफ गंधर्व देता फीड इज वेरी गुड फॉर रिलैक्सेशन हैप्पीनेस एंड वेकेशन पे अगर किचन आ जाती है तो लोगों को वैरायटी ऑफ फूड खाने की आदत पड़ जाती है दे ऑलवेज लुकिंग फॉर वैरायटी कुछ नया कुछ नया कुछ और टेस्ट और डाइनिंग टेबल यहाँ पे आती है तो एक्सेस एक्सपेंडिचर होता है फूड आइटम्स पे किसी प्रकार की मनोरंजन की क्रिया इस सिस्टम के अंदर एक ऊर्जा पैदा करती है इस देवता फील्ड में ऊर्जा पैदा करती है जिसकी वजह से वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है या उसको एक अपनी पैशन से क्रिएट लगाव मिलता है ये नशा है जिन लोगों को न, जैसे डांसिंग म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये एक नशा है जिनको आदत पड़ जाती है एक नशे की तरह यूज करते हैं इसको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब लेट गो की तो उसको लेट गो करने के लिए अल्कोहल kind of तो को यहां रखने से क्योंकि वो वेस्ट डिस्ट है वो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल पावर क्रिएट नहीं कर रही है बॉडी के अंदर सारा ही वेस्ट क्रिएट कर रही है ऑलमोस्ट वेट क्रिएट कर रही है कुछ न्यूट्रिशन क्रिएट करती है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है अगर पांच सात दस परसेंट करती भी होगी बट ऑफ वो वेस्ट ही क्रिएट कर रही है तो ऐसे वेस्ट को ऐसे वेस्ट को वेस्ट को करने के लिए और उस को हटाने के लिए इस जोन में अल्कोहलिक आइटम को या नशे की वस्तु को रख देने से लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वो ऑलरेडी वेस्ट डिस्पोजल है क्योंकि उससे न्यूट्रिशनल गेन नहीं मिल रहा हमारे को तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है इस देवता फीड का पर्पज है कि आप जो भी आहार ले रहे हो उस आहार का इंटेक आपको मिले इन द फॉर्म ऑफ सोमरस न्यूट्रिशन पावर बाकी सब बाहर कर दो ये देवताफील अगर होटल इस तरह के जहां पे मनोरंजन की एक्टिविटी बहुत होती हो इस प्रकार के पब तो होते ही मनोरंजन के लिए या जो भी ऐसी व्यवस्थाएं बिजनेस हाउसेज जिनका काम मनोरंजन से रिलेटेड हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे जो लोग आ रहे हैं वो पैसा खर्च करने के लिए आ रहे हैं उनका एस एस डब्बू बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एस एस डब्ल्यू कार्ड दिया जाए छोटा कर दिया जाए वहां पे रेमेडी कर दी जाए उनके बिजनेस को लॉस हो जाएगा जैसे अभी कुणाल जी ने बोला कुछ रेमेडी करी बिजनेस बंद हो गया पता नहीं क्या चीज था कैसा था वो तो बाद में इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा बट उन लोगों की अगर एस एस डब्ल्यू की रेमेडी कर दी जाए तो फालतू का लॉस है फालतू का लॉस है क्योंकि उनका पेशा ही मनोरंजन है सामने वाले को मनोरंजन मिलेगा तो उसका पेशा चलेगा और उसके ऊपर हम रेमेडी कर देते हैं जाके ये सोच के कि एसएसडब्ल्यू के अंदर ऐसा गलत होता सारा कुछ वो लॉस है गंधर की देता फील्ड पे सोते रहने से लगातार विचारों में कमी आती है और अच्छे विचार नहीं आते क्योंकि ये लेट गो है और हम सोने पे या हमारा समय वहाँ पे सोने में करीब एक एवरेज छः से आठ घंटा आदमी सोता है एक एवरेज तो छः से आठ घंटे का टाइम वहाँ पे स्पेंड करने से एक लेट गो की प्रवृत्ति पैदा होती है जो कि जिससे कि हमारी स्लीप डिसऑर्डर प्लस विचारों में डिसऑर्डर पैदा होता है इसलिए ज्यादा समय वहां पे व्यतीत करना अच्छा नहीं है अनलेस वी आर इन द जॉब ऑफ दैट अनलेस वी आर इन द म्यूजिकल एक्टिविटी तो वहां पे ज्यादा समय सोने से व्यतीत करने से नुकसान होता है क्योंकि ये लेट गो और डिस्पोजल की एक्टिविटी में भी आ जाता है जिसको आप डिस्पोजल बड़े अच्छे से बोले आप लेकिन डिस्पोजल क्यों है उसका कारण ये है कि वो अच्छी चीज को जॉब करता है बाकी चीजों को निकाल देता है जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है सिस्टम के अंदर वो निकाल देगा अब आप बोलोगे जी किसी का Uh, कोई लेडी उसका बच्चा पैदा होना है वो लेडी प्रेग्नेंट है गंदा की देवता फील न्यूट्रिशन पावर को रखेगी उसके लिए वो एक्स्ट्रा ही है अब वहां पे लगातार सोने से वार्म uh, पनप नहीं पाता तो यानी कि जो 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 लेडी परिवार फैमिली uh, वे पे है द लेडी मस्ट नॉट स्लीप इनटू दिस देवता फील्ड नहीं तो प्रेगनेंसी को पनपाने के लिए बहुत तकलीफ होती है ये देवता फील्ड गंधर्व की जैसे सोम जैसे सोम को हम धन से भी लेट करते हैं सोम इन्स ट्रेजर इसी प्रकार से इस देवता फील्ड से निकला हुआ वाइटल ड्रिंक इसे वाइटलिटी फॉर ह्यूमन बॉडी अब नारद मुनि इस देवता फील्ड से स्ट्रांगली रिलेट करते हैं स्ट्रांगली ही इज द मैसेंजर टू दी बिटवीन द गॉड एंड अर्थ गंधर्व की देवता फील्ड रूट चक्रा पे आती है गंधर्व की देवता फिर रूट चक्रा पे आती है आप सब लोग चक्रास पे कई लोग काम करते हैं मूलाधार चक्र पे और मूलाधार चक्र का जो एलिमेंट है वो अर्थ है वो पृथ्वी है तो जिनको कब्ज की हमेशा शिकायत रहती है और जिनको लूज मोशन से जैसी तकलीफ तो हमेशा रहती है या जो बहुत ज्यादा मात्रा में वापस बार 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 दिन में आमतौर पर आदमी एक बार बोलता है जो दो बार तीन बार वॉशरूम जाते रहते हैं चेक करें उनका अर्थ एलिमेंट चेक करें उनका रूट चक्रा अगर उनका रूट चक्रा और अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो उसकी रेमिडियल पार्ट एक अलग बात है वर्क ऑन डेट गंधर की देवताफील्ड यूजफुल एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं उनको अब, अब करती है और जो वेस्टफुल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देती है सो इट्स ए इंपॉर्टेंट देवताफील्ड टू बैलेंस इट ऑल यहां येलो वास रखने से क्या होता है बिल्कुल ठीक बात है येलो वास आपने रखा वो अर्थ एलिमेंट आपने किसने बोला अर्थ एलिमेंट वो बहुत बढ़िया येलो वास जो है यहाँ पे रखा गया दैट हेल्प्स स्टॉप ड्रेनिंग अवे ऑफ दी वाइटल एनर्जीज जो हमारी वाइटल एनर्जीज हमने पैदा करी है आपने उनको ड्रेन आउट करने में रोकने में हेल्पफुल होती है So बृहस्पति और गुरु ग्रह का माना जाता है। और गुरुज के प्रमुख प्लैनेट है और एयर और अर्थ इसके एलिमेंट्स भी हैं। अब येलोवास को अगर रख दिया जाए जिसके घर में ऑलरेडी कट है तो उसकी तो वाइट एनर्जीज़ पहले ही नहीं निकल जा रही वेस्टेज में जिसकी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है उसकी जाएगी वेस्टेज में क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड एरिया में है वो येलो वा सकता है तो फिर भी एक बार को समझ में आती है जिसका ऑलरेडी कट है वो फिर येलो वेल्लोवास तो येलो वास को समझ में नहीं आएगा कि रोकना किसको कहेगा पहले बढ़ा दो वेस्टेज को समझ में ही नहीं आएगा कि रखना काटना किसको जब ऑलरेडी वेस्टेज नहीं है व्हाट टू स्टॉप नो वेस्टेज पुटिंग so it is balanced or इट इज बैलेंस और कट जोन it's इफेक्ट negative इफेक्ट और जब येलो वास रख रहे हैं क्योंकि हम अपने घर की वेस्टेज को रोकना चाह रहे हैं उस टाइम पे या अपने भवन की वेस्टेज को रोकना चाह रहे हैं तो एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेविंग्स को इंक्रीज किया जाए और न्यू बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज किया जाए उसके लिए ग्रीन प्लांट नॉर्थ में लगाएं साथ में एक लाल रंग के भागते हुए घोड़ों का जोड़ा भी ईस्ट में रख दें और हो सके तो एक विलेज की सीनरी को वेस्ट में भी लगा दें ये काउंटर बैलेंसिंग रेमेडीज है विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल पीपल इग्नोर टू डू इट वन बैलेंसिंग अब कुलाल जी की बात यहाँ पे आती है अगर ये टेस्टिंग परपज सॉल्व हो जाती है

सॉरी शनि है अर्थ, अर्थ तो एलिमेंट है शनि है और शनि देव स्लो एंड स्टडी है समय लेते हैं शनि देव धीरे चलते हैं तो गंधर्व पे जो काम होता है वो धीरे 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 लगातार प्रयास का नतीजा है फास्ट मूविंग नहीं है स्लो एंड स्टडी वाला हाल है गंधर्व का एट्रीब्यूट का आता है और इसका जो रोल होता है वो आर्टिस्टिक है आर्टिस्टिक कलाएं हैं एक्टर परफॉर्मेंस की इसका रोल है इस पर इमली रखी जा सकती है टेस्टिंग के लिए कैसे करना है बताएंगे आगे जाके इमली कोई खुशबूदार तेल फेग्रेंट ऑयल इनको लगाया जा सकता है इनसे चेक किया जाता है कि कैसा इसका इफेक्ट आ रहा है ये गंधर्व की देवता फील्ड से रिलेटेड है ऑलमोस्ट आई की देवता फील्ड अगर किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फुटफॉल बढ़ाना है गंधर्व की देवता फील्ड उस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंडस्ट्री पे गंधर्व की देवता फील्ड पे अगर किसी भी प्रकार के इम्बैल एक्ट आ रहे हैं तो उसको से बैलेंस की तरफ लेके जाओ क्योंकि उस इंडस्ट्री के लिए लोगों का पैसा खर्च करना ही इंपॉर्टेंट है लोग कहां से ला रहे हैं ये उसका इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों का पैसा खर्च करना वहां पे इंपॉर्टेंट है कई लोग इस तरह के बिजनेस व्यापार में होते हैं जो डिस्पोजल का काम करते हैं आजकल बहुत सारी डिस्पोजल एक्टिविटी होती है डिस्पोजल प्लेट्स, डिस्पोजल कप्स, डिस्पोजल टिश्यू सो ऑन ये सारे डिस्पोजल की जितनी भी सामग्री है ये सारी डिस्पोजल की सामग्री गंधर्व की देवता फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है अगर उसके घर का गंधर्व का देवता फील्ड बैलेंस है अच्छा है वो व्यक्ति इस पर काम कर रहे कई बिजनेस हाउसेस इस तरह के होते हैं जो काम ही जिनका ही टॉयलेटरी या वो जिसको एक संस्था है दो तीन जो टॉयलेट सार्वजनिक टॉयलेट पे काम करती है ठीक क्या बोलते हैं उसको सार्वजनिक टॉयलेट को आ, उनके जो बिजनेसेस हैं ये सार्वजनिक पब्लिक शौचालय वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये देवता फील्ड जिन जगहों पर उनका ऑफिस है अगर वो एस एस डब्ल्यू के बड़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छा है अभी कोई वास्तु कलाकार वहां पे जाए और जाके उनके एस एस डब्ल्यू को ब्लॉक कर दे तो उनका तो बिजनेस ही सार्वजनिक शौचालय का था वो तो लॉस है इस फील्ड की क्लीन क्लीननेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने अपने शरीर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से जो अच्छी चीज जॉब करने के बाद हम सब जब हम साफ करते हैं क्लीन कर देते हैं अपने शरीर को क्लियर कर देते हैं क्लीन कर देते हैं और हम इजीनेस फील करते हैं हम हल्का फील करते हैं तो ये देवता फील्ड के ऊपर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए इवन दो इट इज अ टॉयलेट इट इज टू बी क्लीन इवन दो इट्स अ स्टोर इट इज टू बी क्लीन यहाँ पे बेडरूम बनाना वर्जित है ड्राइंग रूम वर्जित है डाइनिंग रूम वर्जित है टॉयलेट यस कैन बी मेड टॉयलेटी टैंक में सेप्टी इसी जगह पे बनाया जा सकता है फैमिली स्टडी रूम सर्वेंट रूम गेस्ट रूम बार सब वर्जित है ये बट स्टोर रूम बनाया जा सकता है बट ऑर्गेनाइज होना चाहिए क्लीन होना चाहिए अगर स्टेयर केस यहाँ पे आती है क्लॉकवाइ स्टेयर केस उत्तम होगी यहाँ पे एंटी स्टेयर क्लॉकवास नुकसानदे होंगे यहाँ पे अब इस स्टेयर केस एक्टिव क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे होती है इसको कैसे चेंज भी किया जाता है इस इस एक्टिविटी को भी हम आगे जाके करेंगे बट क्लॉकवाइज स्टेयर आर गुड इफ कैन बी प्लान हेयर जैसे मैंने डोर के विषय में बताया इस इस देवता फील्ड पे डोर आना अशुभ है बट अगर आ गया तो उसको ट्रीट किया जाए तो ट्रीटमेंट के लिए वाइट कलर का या आयरन का हम यूज करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डोर एस सिक्स जोन ऑफ एक्सपेंडिचर यहां के रिलेशनशिप पे स्वीपर इज इंपॉर्टेंट येलो कलर का एनहासिंग या अपना कलर माना गया येलो कलर या ब्रास इसे एग्जॉस्ट कलर वो व्हाइट और ग्रे है इसलिए हम व्हाइट एंड ग्रे से इसको ट्रीट करेंगे इसको हमें ब्लॉक करना है उसका जो डिस्ट्रक्टिव कलर है वो ग्रीन ब्राउन का डिस्ट्रक्टिव कलर है एस सिक्स जो देवता फील्ड है ये अघोरी जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट देवता फील्ड है के लिए क्योंकि ये देवता फील्ड से तंत्रों की प्रैक्टिस बहुत की जाती है तंत्र विद्या की प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे तो जो लोग तंत्र विद्या पे कार्य करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट देवता फील है दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव टॉयलेट और डिस्पोजल एक्टिविटीज इन दिस जोन तो अगोरी वन ऑफ दी रिप्रेजेंटेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसकी शेप स्क्वायर शेप है इस जोन की जो स्पेस है उसको आ है येलो इसका अपना कलर है व्हाइट इसका एग्जॉस्ट कलर है और डिस्ट्रक्टिव कलर इसका ग्रीन कलर है ये देवता फील्ड के ऊपर किचन आ जाने से नुकसान है पर आ जाता है उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं येलो कलर के स्टोन से कैसे करेंगे देखेंगे बट येलो कलर के स्टोन से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका दिस इज ऑल अबाउट गंधर्व की देवता फिर। वी आर मूविंग टू बरिंगराज की देवता फील्ड सो फॉर एनी क्वेश्चन एनी वन है प्लीज लेट मी किसने कहा था हमारे को समझ में आएगा क्या क्या ये स्टोरी समझ में आया उनको यस सर कीर्ति कीर्ति जी स्टोरी स्टोरी अच्छा लगा आपको स्टोरी समझ में आया हाँ, मतलब मुझे काफी कुछ तो समझ में आया अभी तक तो एक सिंपल ये था कि ये ऐसी है चीज़। बस ऐसे ही है ऐसे चलेगा तो अब क्लियर हो रहा है कि आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जोन में कौन सी चीज रखें या क्या करें अब देखिए क्योंकि आपको उस जगह का एट्रीब्यूट्स ऑन में आ गया आप यस सर अगर आप एट्रीब्यूट्स ऑन में आ गया जी बोलिए आप अभी तक जो हमने वास्तु लोगों से सुना था ऐसा ज्यादा हमने कभी इसमें इंटरेस्ट उतना लिया नहीं है पर मतलब लोगों कह रहे हैं ये तोड़ के यहाँ पे खिड़की ही होनी चाहिए यहाँ दरवाजा ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए या यहाँ पे ऐसा रखना ही है बट तो वो चीज नहीं और इतना करने के बावजूद भी पीसफुलनेस तो नहीं आ रही थी तो फिर कोई सेंस नहीं था उस चीज का लेकिन अब आज ये स्टोरी सुन के हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा सर और सर एक बात और कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ से हटके है आ, मतलब हम इस फील्ड में भी बहुत नए हैं। अभी हमने टेरोट और नक्षत्र की क्लास करी है ज्ञान से और मतलब एक जो आपका सेकंड जून वाला इवेंट था वो अटेंड किया था मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी थर्ड पर्सन से कभी पहली बार मिल रही हूँ मुझे मतलब आप पूनम मैम रिदम ऐसा कुछ भी नहीं लगा की अनुने मुझे लगा आ, मेरी फैमिली है शायद बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं

So मतलब बाहर के साइड आपने रिदम को बोला मैम अंदर ले गया उसके बाद जो था मुझे लगा ही नहीं की मैं नए लोगों के बीच में या नए शहर में मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली अब जैसे मैम की क्लास की है हमने नक्षत्र की और टेरो की हमने शिल्पी मैम की क्लास की तो हमें इतना अच्छा लगा है तो आज जब तो ये पता चला कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं तो हमने सोचा नहीं एक बार देखना तो जरूर है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं अब ये कि वास्तु भी हमें करना ही है सो नाइस ऑफ यू यू वेलकम जी यहाँ तक किसी का कोई, कोई प्रश्न किसी का कोई विचार है तो अपना विचार प्रश्न प्रकट करें एंड देन वी विल

हाँ सर मेरा एक प्रश्न है इसमें जैसे अभी आपने बताया कि जी ये आपने बताया कि फ्लावर वाल जो है वो मतलब येलो है येलो बृहस्पति का भी होता है आप उसको अर्थ से एलिमेंट से भी रिलेट कर रहे हैं तो जब हम देखते हैं तो उसमें रेड सबसे नीचे आता है तो मुझे ये क्लैरिटी आज तक नहीं हुई कि मतलब कौन सा कलर कौन से एलिमेंट के साथ है थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा गाइडेंस दें प्लीज सर फिर आगे अगर मूव मुझे जितेंद्र जी ये पूरा अपना एक चैप्टर है क्योंकि कलर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चीज कलर कॉम्बिनेशन है हम आई एम नॉट श्योर यहाँ पे आ, पहले किसने वास्तु किया कलर के ऊपर पूरे करीब तीन या चार हम क्लासेस कलर्स पे ही करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कलर कौन सा कहा जाएगा और क्यों जाएगा और क्यों नहीं जाएगा जब तक आपको ये नहीं पता अच्छा चलेगा कि यहाँ क्यों नहीं जाएगा तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्यों नहीं करना सी वी मस्ट नो द डेंजर फॉर एग्जाम्पल आप आप रेलट जंप करते हो तो जंप करने का आपको डेंजर पता है पहला डेंजर तो आपको ये पता है कि चरण करेगा दूसरा ये पता है कि लड़ाई हो सकती है तीसरा आपको पता टकराव हो गया टकराव हो गया तो नुकसान हो गया तो यू नो द डेंजर सो यू टेक केयर ऑफ इट एंड द सेम अप्लाईज विद द कलर कलर कौन सा कलर कौन सा जगह पे यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि कलर की विशेषता क्या है और उस विशेषता के साथ कलर को लगाएंगे तो ये आपका जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा है इस प्रश्न के पीछे। वी विल कवर ड्यूरिंग दी जर्नी और ये ही, स्टार्टिंग यहीं से ही आएगी कलर से ही आएगी स्टार्टिंग बैलेंसिंग से आएगी, ठीक है? तो so, अभी के लिए हम इसको पार्क करते हैं थैंक यू राइट ब्रिंगराज तो एस एस डब्ल्यू की दूसरी देवता फील्ड है ब्रिंगराज ब्रिंगराज इज डिस्क्रिमिनेटर ंगराज इज डिस्क्रिमिनेटर जिसके अंदर क्षमता हो चीजों को एक दूसरे से विवेचन करने की ठीक ये देवता फिर राक्षस देवता फील्ड है और इस भिंगराज की देवता फील्ड को राक्षस की फील्ड बोला गया जो कि राक्षस जो है नीति जो कि राक्षसों की देवी मानी गई है उनके ये पुत्र माने गए हैं तो इनमें डिस्क्रिमिनेटिव पावर होने की वजह से विवेचन होने के वजह से विवेक होने के की वजह से त्याग की क्षमता होने की वजह से लेट गो गो की क्वालिटीज है इनके अंदर तो ये उस शक्तियों से गुणगान या परिपूर्ण है सो ही गोवर्न द क्वालिटीज ऑफ लेट गो डिस्क्रिमिनेशन दैट द पावर दिस देवता ऑलवेज कैरीज अब राशो की अपनी क्षमताएं है होती हैं जिससे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है इनके पास अपनी मायावी शक्तियां बहुत होती हैं माय भी सकती से ये उठ से जाते हैं अपनी शेप साइज चेंज कर लेते हैं अपनी अपना पूरा हुलिया चेंज कर लेते हैं हर प्रकार की इनका मैजिकल इल्यूजन पावर्स होते हैं इनमें जो फीमेल की क्षमताएं होती है रा, राक्षस महिला एक अच्छी ब्यूटीफुल फीमेल्स की क्षमता रखती हैं शेप चेंज करना साइज चेंज करना हर प्रकार से तो इट्स इट्सरी पावर्स इट्स अ क्रिएशन ऑफ इल्यूजन राइट अब आप इस चीज को ऐसे रिलेट करें जितना भी आप थिएटर सिस्टम देखते हो इज नॉट एट इल्यूजन जितनी आप मूवीज देखते हो प्ले देखते हो इज नॉट एट इल्यूजन हाँ ना मे बी मे मे नॉट बी वॉट या तो ऐसे या ऐसे ऐसे से हा ना मेबी मे नॉट बी कुछ तो बोले yes, ये इल्यूजन की क्षमता इस देवता फील्ड के पास है ये नाटकीय क्षमता है थिएटर स्टेज शो मेकअप मेकअप करने से क्या होता है देखने देखने का नजरिया बदल जाता है

बीनराज की देवता फील्ड के ऊपर ये मैजिकल पावर बहुत स्ट्रांग है देव अ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ चेंजेस इनटू टू द सुपरफिशियल चेंजेस कैन चेंज द फेस ऑफ दी ह्यूमन बींग प्लास्टिक सर्जरी लोग करते हैं अपने चीजों को चेंज करने के लिए अपने मेकअप को अपने आकार को बदलने के लिए अपने बॉडी आकार को बदलने के लिए बहुत तरह की चीजें करते हैं लोग इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या पावर समागम सुधार ऐसा बोलता है ऐसी महिलाएं जिनके अंग बड़े हो चोड़े हो बाल मोटे हों दिन में सोना पसंद करे चोर से बोलना पसंद करे नाखून दांत बड़े हो जिसमें घृणा ईर्षा झगड़े की क्षमता या ऐसी ज्यादा हो या ऐसा कहो, रात में घूमने की क्षमता की अच्छा पसंद करे रात पे घूमना टहलना ये राक्षसी स्वभाव है इसको राक्षसी स्वभाव से, से लेट किया गया इन चीजों को असुर प्रवृत्ति बोला गया एंड मायावी प्रवृत्तियों के अंदर मैजिकल पावर में वैनिश हो जाना एकदम चमक एकदम खूब भाग जाना एकदम फ्लाई कर लेना एकदम आकार क्रिएशन चेंज कर देना एकदम कुछ भी कुछ भी चेंज एकदम सडनली चेंजेस कर देना भ्रमित कर देना एक तरीके से द वर्ड इज भ्रमित कर देना जेट्स अ पावर misguidance imaginations आंखों के सामने धुदलाना ये जो क्षमताएं ये भृंगराज की देवता फील्ड में है भृंगराज की फील्ड साउथ साउथ वेस्ट की सेकंड देवता फील्ड है जो कि इंसान को इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता देती है रूप धारण करने की क्षमता देती है जादुई शक्ति देती है और इसलिए ये अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जो लोग तांत्रिक कार्यों पे कार्य करते हैं उनके लिए फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भ्रम फैलाना झूठ बोलना लोगों को गुमराह करना वास्तविकता से दूर करना यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक प्रमुख रोल है अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसके प्रमुख रोल से हटा दिया जाए तो एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगा तो जितनी भी इंडस्ट्री इसके इर्द गिर्द घूमती है उनके लिए बिग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है जितने लोग इस तरह के व्यवसाय में हैं, उनके लिए बिगनास बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग सेल्स मार्केटिंग की वो एक्टिविटी करते हैं जिनको जो कि दूसरों को गुमराह करते हैं ऐसा कौन सा होता है ये लेट करना पड़ेगा अलग बात है लेकिन ऐसी जितनी एक्टिविटी जिनके साथ वास्तविकता कनेक्टेड नहीं है उनके लिए भिंगराज बहुत इंपॉर्टेंट है जो वास्तविकता से दूर हटके बात कर रहे हैं जो एक इल्यूजन या भ्रमित कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भिंगराज क्योंकि यह असुरों की शक्ति है यहां सुपर ह्यूमन पावर मैजिकल मैजिशियन पावर यह शक्ति इन, उस व्यक्ति को एक दूसरे लेवल पे ले जाने की क्षमता रखती है, और है कि भिंगराज की देवता फील्ड अप्रोप्रिएटली डिजाइन होनी चाहिए उसके लिए अगर यह बिल्डिंग का वीक हो जाता है इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एफर्ट्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल कन्वर्जन नहीं करते वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी बहुत होती है अगर ये फील्ड वीक है किसी बिल्डिंग की या किसी भवन की ये वो पावर है जो गंधर्व ने जो गंधर्व ने फूड एब्जॉर्ब किया था उसमें से न्यूट्रिशनल पावर को गेन किया था और डिस्पोजल की जब बात आई थी जब कचरा निकाल दिया था उसके बाद जो एक, उस सिस्टम को ग्रो करने की बात आती है वो भिंगराज है क्योंकि सुपर ह्यूमन पावर है ये मैजिकल ये पावर है एक्टिविटी गंधर्व ने करी उस एक्टिविटी की लेवल अप बिंगराज है नमस्कार विनोद जी उस एक्टिविटी का लवाला बिंगराज है राक्षस जाती है यहां पे राहु इंपॉर्टेंट है जो जब दशाओ महादशा में राहु चलते हैं तो बिंगराज अपने आप एक्टिवेट होते हुए चलते हैं अब इंसान में इल्यूज़न करने की क्षमता या इल्यूज़न के अंदर फंसने की जो क्षमता है उसके लिए भिंगराज इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति के राहु की दशा महादशा के चलते समय में उसका भिंगराज की फ़ील्ड को पकड़ के चलो वहीं से नुकसान आएगा कई बार आपने सुना होगा इंसान को जो है जैसी परिस्थितियां भारी पड़ी दस लग गए जैसी परिस्थितियां तकलीफ में आई दस लग गए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर ये देवता फील्ड अगर बैलेंस नहीं है गंधर्व की या विराज की अगर ज्यादा एक्सटेंडेड हो गई तो लूज मोशन क्रिएट कर देगी और ज्यादा घट गई तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रिएट कर देगी तो अगर परिस्थितियां बैलेंस नहीं गया महादशा अंतशा में राहुदेव भी आ गए तो दस लगाने वाला काम ही करती हैं दिस इज ए पावरफुल वॉरियर देवता फील्ड बट विद रिस्पेक्ट टू सुपर नेचुरल सुपर पावर लाइक मैजिकल पावर और इल्यूजनरी पावर मायावी शक्तियों के लिए उनके लिए दिस देवता फील्ड इज अ वॉरियर बहुत कलाकार ऐसे होते हैं जो जादू टोने वाले काम करते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जो कि हाथ की सफाई वाले मैजिकल काम करते हैं बहुत ऐसे जादूगर टाइप काम करते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत लोग होते हैं जो कि ताश के पत्तों में जादू का काम करते हैं बहुत चीजें ऐसी होती है बहुत कलाकार होते हैं उन सबके लिए ये देवता फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है For everybody it cannot be toilet. Please understand that बिंगराज की देवताफील जीवन में क्या रखना है और क्या नहीं रखना इसकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर बड़े अच्छे से बताती है इंसान को किसी महिला फैमिली प्लानिंग में उसका अबोशन मिस कैरिज के लिए इंपॉर्टेंट देवता फील्ड अगर वो देवता फील्ड पे आ रही है सो रही है तो दस मिनट या बीस पच्चीस मिनट या आधा घंटा इस जोन के अंदर अगर समय दिन का बिताने से जितने भी हमारे दिमाग में कचरा भरा होता है सब बाहर होना शुरू होता है एक क्लीनिनस प्रोसेस है यूज़लेस थॉट्स यूज़लेस थिंग्स यूज़लेस मटेरियल यूज़लेस टॉक्स यूज़लेस व्हाटएवर हैज गो इट विल गो आउट और जब इंसान बोले क्या करें और क्या नहा करें ये बहुत बड़ी विविदा है हमारे साथ और जब उनका दिमाग रिजिड हो जाए फालतू के समय वेस्ट करे बेकार की बातें करें चिचड़ा महसूस करें वेस्टफुल एक्टिविटी करें जो क्षमता किया जो काम किया उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है वह की की फील्ड वहाँ पे प्रमुख रोल प्ले करती है क्योंकि ये कचरे को ड्रेन आउट करती है कचरे को क्लीन करती है जो गंधर्व ने डिस्पोज किया था कचरा उसको डेन आउट करती है उसे क्लीन कर देती है साफ दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल क्लीन बिघराज की देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो केतु देव है और केतु देव इन बिटवीन नहीं होते इधर दिस साइड और डेट साइड नो इनपिट कनेक्ट होतीराज की देवता फील्ड हैव अ वेरी पावरफुल डिफ्रेंशिएशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सो इन दिस केस इंसान को जीवन में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए किसके साथ रिलेशन रखना चाहिए किसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें हेल्थ की आती हुई प्रॉब्लम पेट से आती हुई समस्याएं बॉडी के अंदर खाने का नहीं लगना जबान का खराब हो जाना कई लोगों की जवान स्थिर नहीं होती अभी कुछ बोला तभी कुछ बोला ये सब चीजें बिगराज की देता फिर प्रमुख रोल प्ले करती है इसमें कॉस्मेटिक्स आमतौर पर कॉस्मेटिक शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट फॉर ए डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑल्सो कॉस्मेटिक्स को यहां पे रखना बिंग राज की पॉजिटिविटी एनर्जाइज करने का काम करती है दिस गिव द डिस्क्रिमिनेटरी पावर कि कौन से समय में कौन सा परफ्यूम लगाया जाए अभी अगर किसी की डेट uh, है तो उसका परफ्यूम अलग होगा और किसी की अगर प्रोफेशनल मीटिंग है उसका परफ्यूम अलग होगा है ना और किसी को अगर किसी पार्टी में जाना तो उसका परफ्यूम अलग होगा सो इट्स अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी पावर ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर बिंगराज की देता फिर क्रिएट करेगी चूज द बेस्ट चूज चीज़ें क्लीन हो बिल्कुल साफ सुथरी हो की देवता फील्ड एस सेवन की देवता फील्ड है और जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया था अघोरी या तंत्र मंत्र की शक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट देवता फील्ड है ये और यहां पे डोर आ जाता है तो इंसान के एफर्ट्स ही एफर्ट्स आ जाते हैं सारे एफर्ट्स वेस्ट में आते हैं नो रिजल्ट इट्स ए डिस्पोजल तो डोर इज नॉट वर्किंग गुड इन दिस ओन अगर आ भी जाता है तो उसको बैलेंस किया जाता है विद ब्रास कॉपर या रेड कॉपर से इसको बैलेंस कर सकते हैं कैसे करेंगे वो देखेंगे एंड दिस फील्ड कुछ पीपल टू डू लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट्स बट विदाउट रिजल्ट्स लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट्स और बिहंगराज की फील्ड रूट चक्र पे आती है अभी जैसे बताया था था रूट चक्र का एलिमेंट अगेन अर्थ एलिमेंट है तो इंसान का अपना अर्थ एलिमेंट वीक है स्ट्रॉग yes, है हर व्यक्ति का अपना एलिमेंट होता है उसका अपना अर्थ एलिमेंट कैसा है और उसके हिसाब से उसकी भिघराज की देता फिर अपने लिए काम करेगी अपने लिए अगर इंसान का अपना अर्थ एलिमेंट अच्छा है तो कोई ज्योति नहीं अर्थ एलिमेंट आप अपना अपने घर का खराब बिगाड़ो कोई ज्योति नहीं है काम करेगा वैसे ही छोड़ दो उसको हाँ लेकिन आपका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है खुद का और घर का भी अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है तो भिघनास बहुत तेजी से काम करेगा उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है कैसे होगा वो रेमिडियल पार्ट है रेमिडीज करेंगे क्योंकि हमारा पूरा सब्जेक्ट ही देवता फील्ड के साथ रेमिडीज ही है वो तो पूरा सब्जेक्ट करेंगे उसको आगे जाके। और इस देवता जोन में अगर कोई पूजा आराधना करता है तो वो सिर्फ ऋग्वत तंत्र और तांत्रिक एक्टिविटीज करनी है अदरवाइज इस, इस पे वर्जित है ऑल काइंड ऑफ अदर अदर पूजा तंत्र एक्टिविटीज आर वर्जित इन दिस जोन अदर देन तांत्रिक एक्टिविटीज वास येलो वास इस जोन में वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था तो यस यू मे यूज और मे नॉट यूज डिटेलिंग पे बात करेंगे जिससे कोई क्वेश्चन होगा केतु इज ए स्ट्रॉग डिस्क्रिमिनेटरी पावर इट सेल्फ कैरीज और केतु इसका भिंगराज का देवता है सी देर इज टू टू प्लैनेट्स वन इज द जोनल प्लान अदर इज प्लैनेट केतु इज ए देवता, देवता प्लान भिंगराज और जब केतु देव ऑपरेट कर रहे हैं तो भिंगराज ऑपरेट कर रहा है जब केतु देव की दशा चल रही है तो भिंगराज की ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि उसका प्लानट है और ये निरुति के पुत्र हैं राक्षस श्रेणी से आते हैं राक्षस गुण लेके आए हैं तो राक्षस पूरे गुण रहते हैं इसमें तो राक्षस की परिभाषा कुछ मैंने यहाँ पे दी कुछ और करेंगे आगे राक्षस की परिभाषा में कैसे हो तो राक्षस की पूरी परिभाषा यहाँ पे अप्लाई होती है तो तम... कनेक्टिंग द टू देवता फील्ड टुगेदर एंड गंधर्व जो हमने पढ़ी नटशेल में जो हमने गंधर्व पढ़ी उसका एक्सटेंडेड एरिया हमेशा पिछली वाली से कनेक्टेड देवता फील्ड आगे वाली चलती है जब हम एक ही जोन में बात करते हैं तो गंधर्व की देवता फील्ड का एक्सटेंडेड जोन भेंगराज है गंधर्व में अगर हमने जो एक्टिविटीज करी उस एक्टिविटीज का एक्सटेंडेड वर्जन रिजल्ट के लिए हम वही काम अगर भिंगराज़ पे करते हैं हमें बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं अगर किसी को टॉयलेट वहाँ पे बनाना है उसके लिए अच्छा है तो उसको बेनिफिट बढ़ेगा अगर किसी का टॉयलेट वहाँ पे आने का क्योंकि उसकी एक्टिविटी गंधर्व की है और भिंगराज़ की है मनोरंजन है या इल्यूजन है या किसी को भ्रमित करने का कार्य है उसको वहां पे टॉयलेट नहीं रखना है उसका नुकसान है वो ठीक है टॉयलेट इज ए फ्लशिंग एक्टिविटी जो आप उसमें डालोगे वो फ्लश आउट हो जाएगा बल आती है कि सिर्फ आई एम टॉकिंग अदर एक्टिविटीज में बेडरूम यहाँ पे आना ड्राइंग रूम, रूम, फैमिली लॉज किचन ये सारे यहाँ पे आने से नुकसान है अच्छा नहीं है लेकिन आता है तो क्या रेमेडी की जा सकती है यस yes, रेमेडी की जा सकती है और क्या करेंगे रेमेडी पे बात करेंगे हम यहाँ पे स्टोर रूम आ जाते हैं ठीक है बट ऑर्गेनाइज स्टोरूम होना चाहिए स्टडी रूम यहाँ पे वर्जित है ठीक है पे ओपन एरिया यहाँ पे वर्जित है ओपन एरिया यहाँ का नहीं होना चाहिए पूजा रूम यहाँ पे वर्जित है बट अगर कोई चीज यहाँ पे आ गई किचन यहाँ पे आ गई या बेडरूम यहाँ पे आ गया तो उसको कैसे किया जाता है उसमें हम रेमिडियल वे में बात करेंगे आगे तक के दिस इज द टू देवता फील्ड विच आई कवर टूडे ऑलमोस्ट मैंने फील्ड कवर करवा दी कुछ उसके पॉइंट रेमिडियल पार्ट पे होंगे वो तो हम आगे बात करेंगे व्याख्या के परस्पेक्टिव से मैंने ऑलमोस्ट चीजें कवर करवाई भी इन दो सब्जेक्ट के ऊपर किसी का प्रश्न है किसी को कुछ जानना है

ये भी पहले जैसे कोई भी तोड़फोड़ कराने पड़े या छत डलवाने पड़े या कोई कुछ बनवाना पड़ा तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है या फिर सॉरी जैसे कुछ घर में चेंज, चेंज करने के बाद घर में बहुत सारे प्रकार की दिक्कतें आती हैं घर में चेंज करने से पहले कुछ एक्टिविटीज होती हैं कुछ तरीके होते हैं जिनके ऊपर वी विल टॉक अबाउट इट अगर आपने घर में चेंजेस किए हैं उस चेंज करने से पहले छोटा सा एक टोटका होता है लाल किताब का उसको जरूर करें एक सफेद रंग का कपड़ा ले उसमें जो ले जो को पर दूध का साउथ वेस्ट में लाल रंग की से दबा दें विस्तार में बात करेंगे इस पे छोटा सा टोटका है मैंने बताया इसको और चेंजेस कर चुके हो ऑलरेडी फिर दिक्कतें आ रही हैं सो देन एनालाइज द चार्ट उसके चार्ट को एनालाइज करके कहा पे आपने क्या चेंजेस किए हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसपे क्वेश्चन करनी पड़ेगी हम्म सर चेंजेज कर क्रेशन, हैं। क्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि क्रेशन हम अगेन थोड़ा फोड़ी से करेंगे रेमेडियल एक्टिविटीज पे काम करेंगे जहां तक पॉसिबल होगा हम रेमेडियल एक्टिविटीज की तो चेंज करेंगे हम्म जी सर तोड़फोड़ भी करके और जो कर, होना था वो हो चुका है और जैसे उन सर ने बताया था कि एक वास्तु वाले आए थे उन्होंने सभी आ, रूम्स में उनके कलर के अनुसार स्वास्तिक बनवा दिए इतने इतना इतने इंच का ये ऐसे होना चाहिए और ऊपर के साइड काफी दीवार के तो टच में छत के तो टच में नहीं है बट सभी उसमें वगैरह में अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग टू दिशा जैसे अग्नि कोण में लाल रंग का ऐसे सब करा दिया बट उसके बावजूद भी अच्छा कुछ नहीं हुआ काफी कुछ खराबी रहा तो जानना चाहूंगी कि स्वास्तिक क्या किसी समस्या का समाधान है स्वास्तिक समस्या का समाधान है हम रेडियल पावर में बात करेंगे लेकिन क्या स्वास्तिक से सारी समस्याएं हल हो जाएगी ऐसा नहीं है। थैंक यू सर ठीक है जी किसी और का कोई प्रश्न यस सर मेरा है क्वेश्चन जी 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 बोले बोले सर मेरे को हाँ, जो ए, क्लास के बारे में जाननी थी आप मैं तो अभी कुछ भी पता नहीं था आ रहा है लेकिन ये ये चीज जानने के लिए मेरे को कुंडली वगैरह भी सीखना जरूरी है क्या पैंतालीस देर तक के लिए कोई कुंडली नहीं चाहिए आगे वास्तु जर्नी में आगे बढ़ोगे और एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करने करना चाहोगे तो हाँ। कुंडली नहीं चाहिए हम एडवांस वास्तु में करवाते हैं एडवांस वास्तु में जितना चाहिए कुंडली सीखने का जरूरत जितना चाहिए हम बता देते घर हाँ। का, ये, ये का हो चाहे ऑफिस का हो चाहे किसी और जगह भवन का हो किसी भवन का हो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं ओके इनके हम सिंपल सिंपल किसी को रेमेडी क्लास सीखने से हम बता सकते हैं जो जो हमारा क्लाइंट हो तो हो गया कोई भी दो सौ रेमेडी बनानी मोटी बात ये आपको रेमेडी बनानी आ जाएगी, है रेमेडी, बनानी आ जाएगी। अच्छा। रेमेडी बनाते कैसे तो हमारा कंसेप्ट जो होता है ना वी डू वर्क ऑन कंसेप्चुअल नॉट रट्टेशन की आपको ये चार रेमेडी बता दी रट लो नहीं बी वर्क ऑन कंसेप्चुअल आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने कंसेप्ट से दस काम कर सकोगे आज हमने जो देवता फील्ड करी है वो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप अपने तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हो पर हम सिर्फ आपको ये बता दें कि साउथ साउथ वेस्ट में ये नहीं करना तो आप वहीं तक अटक जाओगे ठीक है और जो वास्तु तो पूरे दुनिया में एक ही जैसा ही होगा ना जैसे वेस्टर्न में एक जैसा साउथर्न में साउथ साइड में कुछ चेंजेस होगा ऐसा तो नहीं है ना सर क्योंकि मैं तो साउथ साइड की हूँ मैं पढ़ रही हूं बेस्ट दिशा से चलता है और हम दिशाओं पे हम दिशाओं के जब हम काम कर रहे हैं हम उस वास्तु पुरुष काम कर रहे हैं जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है तो दिशा वो चेंज नहीं होगी चाहे आप उसे कहीं पे भी अप्लाई करो क्योंकि वास्तु देवता फील्ड चेंज नहीं होती उसको कहीं भी अप्लाई करो वो उस दिशा से अपने आप कैलकुलेट करेगी जब आप किसी भी दिशा में उसका रखोगे तो दिशा अपने आप बताएगी कि वो जगह पे कहाँ जा रहा है कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है कंपास अपने आप बताएगी so, area, आप उस पे काम कर सकते हो सर ये क्लास के मतलब टाइमिंग के बारे में दो मिनटे आप जी जी बोले दो सवाल है आपके पहले आप सवाल का आंसर मिला नहीं सर मुझे बीच में कहीं जाना पड़ गया था अच्छा ठीक बट बात कोई नहीं मैं ये दो सवाल है सर अब जैसे ये जो पैंतालीस देवता है सर अब ये फ्लोर वाइज भी काम करते हैं जी करते हैं फ्लैट में जैसे या फिर किसी का डुप्लेक्स बना हुआ है और एक साइड पूरा कटा हुआ है एयर है यस इट वर्क्स आ, जैसे किसी का फ्लैट का करते हैं हम तो उसमें फ्लैट में भी होगा सेम चीज ना अप्लाई उसकी धरती तो वही है यस इट हाँ जी और दूसरा में जैसे हम ग्रिड करते हैं जब और उसमें अब जैसे मैं काफी दिन से ढूंढ रहा था जो इसका वास्तु पुरुष वास्तु मंडल है जिसको बोलते हैं उसके कॉर्नर्स पे देवता बैठे हैं जिसमें डोर्स हैं और बाकी सब देवता है और कुछ देवता बीच में है करते हैं हम, उसको ऐसे देते हैं। तो वास्तु पूरे वास्तु मंडल है वो स्क्वायर में ही रखा जाएगा या उसको भी रेक्टेंगुलर करेगा हम आपको जब सिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे देवता फील्ड बड़ी बढ़ती क्यों ऐसे छोटी कैसे हो जाती है और उसका आकार परिवर्तन करने से एनर्जी में क्या इफेक्ट आ जाता है ठीक है तो वो आकार परिवर्तन होता है जब आपका प्लॉट का आकार परिवर्तन में आता है तो वो भी आकार परिवर्तन होता है और आगी वो हम हाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर लाइव दिखाएंगे कि कैसे आकार आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा और जब आकार चेंज होगा तो उसकी एनर्जी भी चेंज होती हुई नजर आएंगी ठीक है सर अब एक छोटा सा सवाल हो होगा सर जी जो सर ये ब्रह्म स्थान है मानो स्क्वायर प्लॉट है बीस बाय बीस का तो इसको जो उस मंडल में जो साइज दे रखा है मानो नो ब्लॉक्स का बीच वाला ब्लॉक तो वो पूरा जोन वो माना जाएगा ब्रह्मस्थान yes. अगर इट्स इट्स नॉट पॉइंट, इन पद ऑफ़ सेंटर। हाँ जी नाइन पद है मतलब मानो अब उसमें तीस बाय तीस का प्लॉट है तो दस बाय दस का पूरा जोन ब्रह्मस्थान में काउंट होगा यस yes. Yes. Yeah. तो जब ग्रीडिंग होती है ना ग्रीडिंग कैसे दिखती है देवताओं की वो, वो, तो सारे सारे वो लाइव चार्ट आप सबके होंगे जो आप लोग अपने चार्ट्स लेके आएंगे आप ही के चार्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे कोई आर्टिफिशियल वर्किंग नहीं करते पहली बात उससे आपको क्लैरिटी आती है क्योंकि आप अपने जीवन से अपने घर को कनेक्ट कर पाते हैं उसे आएगी ठीक दूसरी बात हम वर्किंग में कंसेप्चुअल वर्किंग करते हैं इसमें आप रेमेडी हम तो बताएंगे ही आपको 200 सौ ढाई सौ तीन सौ जितनी रेमेडीज बताएंगे उसके अलावा आप अनगिनत जब सीख जाते हैं ना आप आप अपने आप रेमेडी कर सकते हो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी की आपको सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट समझ में आना चाहिए और एक, कोई आइटम का एट्रीब्यूट समझ में आना चाहिए दोनों का एट्रीब्यूट मैच करता है जुड़ो और रेमेडी फिर आप रिलेट कर सकते हो रिलेट कर सकते हैं ठीक बात है जितने पार। ज्यादा एक इंसान को पहचानने के लिए दूसरा इंसान क्या रहता है भैया इस इंसान को समझोगे ना इससे बनेगी अच्छी अब जैसे दो व्यक्ति की शादी हुई तो क्या होगा इंसान पहले एक दूसरे को पहचानता है एक दूसरे को पहचान के समझता ऐसा और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जितना जल्दी समझ में आता है जितना अच्छा समझ में आता है उतनी अच्छी पड़ती है नहीं तो नहीं पड़ती है जितना आप देवताओं के एट्रीब्यूट को पकड़ोगे उतना अच्छा वास्तु को पकड़ोगे

ये जर्नी के अंदर हम डायरेक्शंस पे काम करेंगे पैंतालीस देवता पे उसकी ग्रोसरीज पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्ट है इस पे काम करेंगे बैलेंसिंग सर्क, बैलेंसिंग ऑफ 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 सर्कल क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कंट्रोलिंग जिसके अंदर कलर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कलर शेप साइज फ्लो इसमें इंपॉर्टेंट काम इस इसपे आता है बैप्स ग्लिडिंग आप अपना बनाना सीखेंगे अपने आप और नहीं तो बाहर से कैसे बनाना है किसी से ड्राफ्टमैन का भी हम डिटेल आपको बता देंगे नहीं तो आप

वर्चुअल एंट्री ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा मिथ है वो तो वर्चुअल एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब वो कैसे ओपनिंग करनी है कैसे काम करना है वर्चुअल एंट्री के ऊपर प्रैक्टिकल के स्टडीज आप ही की होंगी सारी जो जो लोग मैप बनाएंगे उनकी उसको मैप को हम यहाँ पे लगाएंगे ठीक है बाकी रेमेडीज़ के पॉइंट ऑफ से महावास्तु की वैदिक वास्तु की पैरा वास्तु की जीव वास्तु की धातु वास्तु की ये सब रेमेडी जितनी भी प्रकार की रेमेडीज होती है रेमेडी हम ठीक है इसके बाद नेक्स्ट वीक से कोर्स चालू हो जाएगा जो लोग हमारे किसी भी ग्रुप में तो, नहीं है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको वो ग्रुप में ज्वाइन करें Uh, किसी भी ग्रुप में अगर नहीं है तो किसी के पास लिंक है नहीं है तो आई विल शेयर द लिंक दो मिनट में मैं शेयर करता हूँ अभी लिंक क्लास रात को होगी नौ बजे से होगी नौ से करीब ग्यारह बजे तक साढ़े दस ग्यारह तक क्लास चलती है अठारह क्लासेज होती हैं अठारह से बीस क्लासेज हो जाती हैं अठारह से सत्रह नहीं होती बीस हो जाएंगी इक्कीस हो जाएंगी और दो से ढाई महीने इस सब में लग जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते में हम दो ही क्लासेस करते हैं एक हफ्ते में उसका रीज़न भी है क्योंकि हर व्यक्ति के अपने और भी कमिटमेंट्स होते हैं तो वी डोंट वांट टू पुश सो मच ऑफ पुश कि अब बाकी कमिटमेंट पे विघन आए या क्लासेस छूट जाए या कमिटमेंट छूट जाए तो वी गो बिट इजी क्लास अकॉर्डिंग रहती है नॉर्मली दो साल तक रहती रहती है क्लास अकॉर्डिंग डॉट क्लियरिंग से प्रैक्टिकल सेशन मेंबरशिप जो ज्वाइन करते हैं वो मेंबरशिप उनको रिपीट फ्री नोट्स सर्टिफिकेशन सब मिलेंगे कोर्स की जो एमआरपी है वो फोर टू वन फोर है Those who are joining us first time on the this platform, their fees will be after discount three one five eight. And those who are already part of the Guruji Gyan uh, Academy, their fees is two six eight five. Those who are first time joining uh, the Guruji Gyan Academy, their fees is three one five eight. So, these fee structures hain. And uh, for this subject, this is the most reasonable you can find it out in the the way we teach and the way uh, the market is all about. दिस अ मोस्ट रिजनेबल स्ट्रक्चर एंड ये नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स पे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं और ये दो नंबर्स हैं जिनके बाद स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं इसके ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इन दोनों नंबर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी ये टीम टीम क्लैरफाई करेगी अगर टीम क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है if somebody wants to talk to me only, then get the number from the team. They will help you to connect पी ठीक है एंड बी रेस्ट अश्योर जो क्वालिटी और जो सब्जेक्ट डिलीवरी के साथ हमारे पास से आपको मिलेगी जो देंगे इंग्लिश में, में है जाता है बट कन्वर्ट करके हिंदी में देते हैं थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक आती है कन्वर्जन में वो स्पेलिंग मिस्टेक आप हिंदी की ठीक कर लेना

नहीं, नहीं मैक्सिमम दोनों दोनो तो होता ही थे। ही थे। 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 है मैडम इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल है मुझे पता नहीं छोटे मोटे हिंदी होती तो है पूरा नोट्स इंग्लिश होता है थैंक यू हिंदी कन्वर्टेड होता है ठीक है क्योंकि हमारे पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम हिंदी में लिखे

ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इफ यू नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर विद टू जर्नी जर्नी और कमिंग कोई क्वेश्चन yes, यस जी बोले हाँ, तो तो दो 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 तो पहला तो ये कि आपकी वेबसाइट थी जो अभी हो है या कोई दूसरा लिंक आपने क्रिएट किया तो उसका लिंक हमारी है दोनों चालू

जी दिस like भाई जी आई एम पुटिंग ऑन ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दोनों वेबसाइट के नाम कैन यू सी दिस सर मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट ले थैंक यू थैंक यू सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो आप इन पर्सन मीटिंग करते हैं ना जो जैसे बड़ा जो वेबिनार सेमिनार करते हैं Uh, वो कब होगा सर यहाँ दिल्ली में दिल्ली में, में? जितना जी दोबारा होएगा तो अनाउंस करेंगे हम आपको और आ जाएगी ठीक है थैंक थैंक यू थेंक यू सरला जी आप पूछे जी सर बेसिक से शुरू करेंगे ना सर फ्लावर जीरो से होगा हैंड होल्डिंग पूरी करते हैं मतलब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कोई इश्यू नहीं रहेगा वी डू ऑन दिस सर मैं डेट नहीं देख पाई कब से शुरू हो हो गई है ये नेक्स्ट वीक में मैं आपको डेट बता देता हूं एक मिनट होल्ड करें आप दिस विल बी ऑन नेक्स्ट वीक 28th ऑफ जून 28th ऑफ जून विल बी द फर्स्ट क्लास एट 9 पीएम ओके सर थैंक यू सर सर एक क्वेश्चन और है सर uh, सर मुखी uh, मकान जो है क्या रहने के लिए सही नहीं

28 जून को 28 का फ्राइडे है मैडम हां 28 का और वीकली ट्वाइस है ना क्लास वीकली ट्वाइस है तो so, 28 इज अ फ्राइडे एंड नेक्स्ट डे या तो ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा मेरा वायलेट फ्लेम क्लास और दो हफ्ते बाकी है कब है आपका so so oh. so clash of class, okay. so, uh ah. -huh. so, there will not be any clash of of class class okay there will not be any firm हमारे यहाँ ah. कोई भी सब्जेक्ट कोई क्लैश ऑफ क्लास नहीं होता uh, ah, क्योंकि अभी शायद फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा फिफ्थ जुलाई कंप्लीट हो जाएगा वायलट तो ठीक है हम आगे पीछे कर लेंगे लेकिन ah. कुछ भी क्लैश नहीं करते हमारे कोई भी क्लास क्लैश नहीं करेंगे ये रूल है अकेडमी में कोई क्लास क्लैश क्लैश नहीं करते हैं और मैं बोलो एकेडमी के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ सर जी बोलो uh, मैं अभी तो तीन क्लासेस में ज्वाइन किया हुआ मैंने पहले शुरू में बोले बोला है कि जो कुमकार अभी फ्लेम और ट्रेन वन और अभी वायलट फ्लेम चल रहा है कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी कुछ आता है ना मैं जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में, में मेरे को uh, मिलता है एडमिन का जो नंबर है कभी भी कितना भी मैसेज करके मैं वो वीडियो नहीं खोल रहा है जो ये नहीं मिल रहा है मेरा इसमें साइट में नहीं मिल रहा है उस साइट में मिल रहा है जब तक मेरा वीडियो एक्सेस नहीं होती है तब तक वो मेरे को वॉइस मैसेज देते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं कितना अच्छा से मेरे को हेल्प करके उस चीज को अचीव करने का मेरे को बहुत हेल्प करते हैं सर मैं ये चीज है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक डाउटफुली मैं एक्चुअली ये गुरुजी जी ज्ञान में आई थी मेरा फ्रेंड ने बताया आप इसमें चलो दीदी अच्छा लग रहा है एक्चुअली उसको हिंदी भी नहीं मालूम है वो ऐसे मतलब सीखने के लिए आया कि हिंदी में है जो भी है उसको मेरे को समझा देना आप हिंदी में है आप थोड़ा बता देना करके मेरे को पूछ रहे थे फिर मेरे को उत्साह किया है कि आप इसमें कर लो आपको बहुत इसमें काम आएगा करके क्लासेस वेरी शॉर्ट मतलब ज़्यादा लंबा क्लासेस भी नहीं है एक दो बार हम डायरेक्ट गुरु से भी हम बात करना चाहते हैं तो वो भी अटेंड करते हैं कोई कोई हम अटेंड बात नहीं कर सकते हैं जब हम ऑनलाइन में अटेंड कर दिया बस डाउट उधर पूछ लिया उसके बाद उनसे पर्सनली बात नहीं कर सकते हैं लेकिन इसी में वैसे वाला चीज नहीं है अब हेलो आई एम ऑडिबल टू यू जी सर, सर मैम फ्रीज होगी और टैग भी करते हो कि ये वाला जो थैंक यू कमला जी या थैंक यू आपका वॉइस बीच में चला गया था आपका इंटरनेट वीक है

थैंक यू हाँ जी, जी विनोद जी सर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ जी बोले जैसे आप जो ये वेबिनार ले रहे हो ना सर ये लोग निन्यानवे रुपए लेते हैं चार पाँच दिन में पूरा करते हैं चार पाँच दिन में कैसे पूरा होगा मुझे आइडिया नहीं है उसका कैसे पूरा करेंगे नहीं मैंने किया है दो तीन जगह से हाँ लेकिन जितना आप बता रहे हो ना उतना भी नहीं बताते बता नहीं पाएंगे सर आज हमने आज हमें दो घंटे करीब हो गए हैं दो घंटे में हमने दो ही देवता फील्ड करी है पैंतालीस करनी तो गिन लो आप कैसे हो जाएंगे और वो वो कंपलसरी ना म्यूट कर लेते हैं सर फिर बीच में तीन चार क्लास वीडियो भेज देते हैं इसको देख लो और कर लो मैं वही बोल रहा हूँ आपको सर हमने दो आज देवता फील्ड करी है इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने होते हैं अगर हमें दो देता फीड करने में पैंतालीस पिछले एक डेढ़ घंटे में हो है जाके तो कैसे होगी आप खुद लेट खुद कैलकुलेट कर लो और फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं हफ्ते में दो में ना सर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग उसी टाइम ना क्वेश्चन आंसर लेते हो हमारे

तो पे शालिनी जी ज्वाइन करी हुई है नेम नेमोलॉजी पे मैं आप दो मिनट में लूंगा शालिनी जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग हाउ आर यू सर आई एम फाइन थैंक यू सो मच सर थैंक यू नेम नेमोलॉजी पे आपने कुणाल जी अभी एक एक्टिविटी की थी शालिनी जी की दो अभी एक दो दिन पहले की थी एंड द वे वी डू नेम नेमोलॉजी नेम 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 आप इन्हीं से इनका एक्सपीरियंस पूछे हाँ मैंने कई जगह से मतलब मैंने ऑल ओवर न्यूमोलॉजी किया हुआ है प्रोफेशनल न्यूमोलॉजी एडवांस नेम नेमोलॉजी मोबाइल न्यूमोलॉजी और सब जगह से करने के बाद मैं भी गुरु ज्ञान एकेडमी में सर से जब मैं जुड़ी तो मैंने सर की वेबिनार्स देखी और उनकी कई क्लासेस की वीडियोज देखी उसको देखने के बाद मतलब जितना डिटेल में जो सर कराते हैं ना कोई भी सब्जेक्ट हो और चाहे न्यूमोलॉजी हो चाहे ऑकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेम न्यूमोलॉजी में या हो या न्यूमोलॉजी में हो जो भी वेबिनार्स मैंने देखी सर का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है उसमें न्यूमोलॉजी के अलावा भी एक्स्ट्रा पार्ट भी सर कवर करते हैं जो आपको किसी भी आप किसी भी उसमें जाएंगे एकेडमी में या किसी भी उसमें कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको जितना वो मटेरियल देखते हैं उसके एक्स और वाई नहीं जाते हैं वो उसी कंटेंट पे रहते हैं बट सर का कंटेंट जो होता है कंटेंट से सर एक्स्ट्रा इतना आपको नॉलेज गेन करा देते हैं एक्स्ट्रा बता देते हैं कि उसमें सर हेजिटेट नहीं होते और आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे सारे आंसर देंगे और सर का न्यूमोलॉजी जो बेस्ट है एक्चुअली क्या होता है ना हमारी जो कुंडली होती है हर चीज कुंडली हमारी बेसिक होती है और लाइफ लॉन्ग कुंडली ही चलती है तो सर ने जो चीज कराई हो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कराई है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट ऑफ है कि आप ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी इज द फादर ऑफ ऑकल्ट आप उसको नहीं रूट से हटा बिल्कुल, सकते बिल्कुल आप उसको लेके उसको लेके चलेंगे हर पार्ट में तो आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी न्यूमोलॉजी में कहीं भी कोई ये नहीं कहता है कि मैं ऑकल्ट के थ्रू कराता हूँ कोई प्रोनोलॉजी करा रहा है साउंड से कोई नंबर से करा रहा है कोई किसी चीज से सबके अलग अलग मेथड है बट सर का मेथड एकदम डिफरेंट है मैंने तो सर सर को मतलब इतना अमेजिंग ने कराया हुआ है एस्ट्रोलॉजी से मुझे बहुत डर लगता था बट कुछ वे में सर की क्लासेस के वीडियोज भी मैंने देखे हैं बहुत ही सिंप्लीफाई पैटर्न में तो नो no डाउट कोई डाउट नहीं करना है आपको सर की क्लासेस में नहीं। नहीं।

एक बात तो ये कि जो भी कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर यूनिवर्स का ये सारा जितना भी हमें ज्ञान मिला वो यूनिवर्स से मिला कॉस्मिक एनर्जी से मिला हमारा तो कुछ भी नहीं हमारा तो उसमें एक तिंका भी नहीं है सारे ऋषियों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ अब जितना उन्होंने हमें दिया उतना अगर हमने आपको दे दिया सो आई एम एलिजिबल टू गेट मोर बिकॉज आई एम एम टी कप नाउ सो द एम टी कप के जो उसको प्रिंसिपल बताया दे कैन सी दैट कि अगर मेरे पास जितना चीज़ है मैंने आपको दे दिया सो यूनिवर्स विल फाइंड समथिंग डिफरेंट फॉर मी टू गिव समथिंग डिफरेंट टू मी क्योंकि उसको दिखेगा ये आगे दे देगा तो यूनिवर्स उसी को कुछ देता है जो आगे कुछ देता है सेम अपलाइज टू एवरीथिंग चाहे वो पैसे भी क्यों ना हो अगर पैसे जन्म जन, जन, जन जनार्दन में इस्तेमाल नहीं होंगे तो पैसे भी नहीं परपता वो सेकेंड थिंग कि चार्जिस क्या हैं किसके चार्जेस क्या हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है कि हम जो ले रहे हैं क्या वो वाइट है या रेड है इन द सेंस की एवरीथिंग कम्स विद कर्मा उसको पे ऑफ करना पड़ता है अगर हम जितना पे पैसे में बहुत बड़ा कर्मा होता है राइट इफ यू हैव मनी इन योर टू हैंड्स दोनों को अगर निचोड़ने की क्षमता हमारे में है तो किसमें से लाल रंग आ रहा है में सफेद रंग आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम जितना डिलीवर कर रहे हैं जो हम कर्मा कर रहे हैं

अब वो बहुत क्लियर क्लीन क्लियर बताया था और ऐसा था कि जिसके साथ अगर कनेक्ट करोगे तो तो आपके साथ सिस्टम अपने-अपने करेगा, नहीं तो, yes, अब मानो देखो मैंने ना लगभग लगभग अलग अलग एक वास्तु वाला तो पूरा कोर्स किया बट <clears throat> वही बात है पूरा ज्ञान नहीं देते थोड़ा सा रख लेते जैसे बिल्ली ने सिखाया नहीं था ना पेड़ पे चढ़ना ऑफ तो मैंने तीस पैंतीस शायद चालीस अलग अलग वेबिनार्स किए बहुत सारे हर एक के और इतनी यूट्यूब पे वीडियोस छान मारी हैं कि हर दही बड़े के देखो किसके बड़े कैसे हैं किसकी दही कैसी है सब कुछ छाना माना आप देखा होगा मेरे नाम के आगे लास्ट में एल एक्स्ट्रा है और द एक्स्ट्रा आ, है ये मेरे मेरी साली है उनके कोई पंडित जी है भोपाल में तो अप एंड डाउन हो रहे थे बहुत ज्यादा तो उन्होंने दिया था इसके बाद फर्क पड़ा बट अब जब सब कुछ सिनेरियो देखता हूँ तो मेरा नाम थर्टी थ्री के सिक्स पे आता है मास्टर नंबर है, है पर अब फिर दही बड़ा हो गया सब कुछ फिर किसी ने के डबल्यू करके कहा फिर पांच और छह पे लाओ इसको पांच पे कुनाल को उसको एक पे फिर टोटल छह लाओ ये करा फिर दही बड़ा तो मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि कोई ढंग का बंदा मिलेगा कुछ समझ आएगी तो कुछ करेंगे आगे

फोर फादर्स का है फोर फादर्स पूर्वजों का है पूर्वजों का हाउ कैन यू चेंज योर सर जो आपका प्रॉपर्टी नहीं आप चेंज कैसे कर रहे हो चेंज कैसे आपका राइट आपकी प्रॉपर्टी पे है ना hmm. आपका राइट आपके फोर फादर की प्रॉपर्टी पे नहीं है चेंज करने के लिए अगर आप इफ आई टेक इट लाइक रियल रियल स्टेट प्रॉपर्टी और फादर ने कोई आपको भूमि दे दी तो आप अगर उस भूमि को बेच देते हो तो आपने वो उसका मालिकाना हमेशा के लिए खो दिया खो दिया और आप और इसी प्रकार से अगर आपने अपना नाम हटा दिया तो आपने उसका मालिकाना खो दिया तो यानी कि आपने ब्लेसिंग ऑफ फादर रिड्यूस कर दी थिंक अबाउट इट बिट डिफरेंट तो सर जैसे आप ये इसके ये जो अगर किसी ने पर्सनल कराना हो नेम चेंज वगैरह कुछ तो इसके क्या चार्जेस वगैरह देते हैं अच्छा कर लेंगे आप एक बार टीम से बात कर लेना दे विल हेल्प यू आउट माय टीम विल हेल्प यू आउट ठीक है एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वेबिनार आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल दोज हु आर लिविंग द इंडिया बांग्लादेश मैच अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच टुडे और उसको छोड़ के इतने टाइम से इतने सारे लोग यहाँ आज वेबिनार में बैठे हैं इट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने अपना <laughs> एक इनिंग खो दिया अब तो सेकंड इनिंग आएगा फर्स्ट इनिंग खो दिया आपने अपना सो इट्स ग्रेट इट्स प्लेजर फॉर प्लेजर मीटिंग यू ऑल Thank, Thank you. you so much, sir. Thank you. Thank you. So nice of you. Thank you. Thank meet... you so much, sir. Thank, Thank, you. You. Thank you. Let's meet coming uh, uh, coming Friday with the first class. Yes. Sir. Thank you. Thank Namaskar. you. Namaskar. Thank you.